प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर देना। हाँ हाँ सर, सर, हो गया। हो गया सर। ओके सर। गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा तो सर आज क्या क्लास है? तो सर आज कंपनी लॉ का बेसिक का क्लास है। तो सर बेसिक्स बोलो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ये कंपनी लॉ का ही क्लास हमेशा रहता है। फ्राइडे वाला क्लास है एक्चुअली। ये कंपनी लॉ का क्लास फ्राइडे को होता है, बट हम लोग इसको फ्राइडे को नहीं कर पाया था सर ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। इसलिए मैं फ्राइडे वाला क्लास को आज करवा दूँ, नहीं तो मैं फ्राइडे ही आज ये बेसिक का क्लास करवा दूँ। तो जिनके लिए रिविजन्स हो रहा है वो रिविजन्स करें, ठीक है, बेसिक करवाऊंगा, और जिनके लिए फ्रेश हैं वो फ्रेश करें, ठीक है। तब जिनका पहले हो चुका है, सामने एग्जाम है, वो भी कर सकता है, और जो एकदम स्टार्ट कर रहा है वो भी कर सकता है, और करना तो पड़ेगा सर। तो ठीक है सर, आराम से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताओ सर, कंपनी लॉ है क्या, है ना सर? या फिर कंपनी लॉ पढ़ने का ज़रूरत क्या है? ज़्यादा नहीं दिमाग खाऊंगा, हल्का से थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि सर कंपनी लॉ क्यों पढ़ना चाहिए। सर पहला बात तो ये है कि कंपनी लॉ इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए कंपनी लॉ को पढ़ेंगे हम लोग क्यों, ताकि हम लोग कंपनी को मैनेज कर पाए। सर कंपनी मैनेज वाले, सर कंपनी मैनेज तो एमबीए वाले करते हैं, तो फिर सीएसईएमए वाले क्या करेगा? सीएसईएस वाले सर इनका काम है कंपनी को लीगली मैनेज करना, सिंपल बात, कंपनी को लीगली मैनेज करना। अब लीगली मैनेज कैसे होता है, कंपनी को लीगली मैनेज कैसे कर पाएंगे सर? सर लीगली मैनेज करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट जानना चाहिए, है ना सर? क्या जानना चाहिए? कंपनीज एक्ट जानना, और कंपनीज एक्ट को जानना है तो फिर उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट रिलेटेड सारा मैटर को जानना है। तो आज क्या करेंगे सर? सर आज मेनली मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ सर, वो है डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है? डेफिनेशन समझते हो ना? डेफिनेशंस माने कंपनीज लॉ को जानने के लिए अलग अलग डेफिनेशंस का जरूरत पड़ता है सर, ठीक है? तो वही अलग अलग डेफिनेशंस में चर्चा करूंगा आपके साथ। लेकिन चर्चा में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है? तो वही मैं थोड़ा सा ओवरव्यू 2-3 मिनट बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद काम ही क्या है सर, पढ़ाई पढ़ाई है सर, प्रोविजंस पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, और क्या पढ़ते पढ़ते हैं मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थकना मना नहीं है, थकना जरूरी है, थकना जरूरी है, लेकिन कुछ सीख के, हाँ सर कुछ सीख के करें तो अच्छा रहेगा, थकान तो आएगा, तभी तो समझ में आता है कि हाँ मेहनत हुआ है। एक सेकेंड सर। ठीक है सर। तो सर कंपनी मैं आपको जैसे कि आपको क्या क्या बोला सर, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली कंपनी को चलाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है? अगर जैसे मानो कि हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को अच्छा से समझ चलना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब सिंपल हम लोग नॉर्मल टाइम पे अगर कंपनी को छोड़ दो सर, कंपनी को छोड़ दो 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट के लिए कंपनी को साइड करो। आप 2 मिनट के लिए ये सोचो कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग हमेशा देश के बारे में, समाज के बारे में जब भी बात होता है, एक चीज हम लोग बोलते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, जब हम लोग देश का लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं तो बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस। क्या बोलते हैं सर? गुड गवर्नेंस। सिमिलरली जब कंपनी का लॉ एंड ऑर्डर सही चलता है तो क्या बोलेंगे? जब कंपनी का लॉ एंड ऑर्डर सही चलेगा तो क्या बोलेंगे? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है? अब कंपनी को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो लॉ का जरूरत है वही है कंपनीज एक्ट 2013। जो लोग चार्टर्ड फाउंडेशंस में इसको पढ़े हैं या फिर अभी भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी ये क्लास कर सकता है, बिकॉज मैं बेसिक्स ही करा रहा हूँ। लेकिन जो लोग इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सी एज वेल एज सी एज वेल एज सी एम ए, वो सभी कोई ये क्लास डिटेल्स में करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मतलब कंपनीज एक्ट रिलेटेड वो ए टू जेड हर बात करेंगे, बेसिक्स में सुनने में बेसिक्स है बट बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है? तो फाउंडेशंस वाले स्टूडेंट्स भी इसको रिवाइज के तौर पे ले सकता है जिनका एग्जाम सामने है, या फिर वो फ्रेशली पढ़ सकता है, और जिन जिन लोगों का इंटरमीडिएट का स्टार्टिंग है कंपनीज एक्ट का,
उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन एरिया है सर। ठीक है सर, समझ गए, आप आगे बढ़ो सर। यस सर, मैं आगे ही बढ़ूंगा, पॉइंट पे आ जाते हैं सर। ठीक है, पॉइंट पे आ गए सर। तो पॉइंट पे बेसिकली ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। प्रिलिमिनरी स्टेज इन द सेंस सर, प्रिलिमिनरी इन द सेंस कि यहाँ पर हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में सारा बात जानेंगे। अब कोई और एक बात बता दो सर, जैसे कि हम लोग बार बार कंपनीज एक्ट में बात कर रहे हैं, आपको पता है सर ये कंपनीज एक्ट कौन मेंटेन करता है? हाँ, तो कौन है इसको देखभाल करने वाले? इसको देखभाल करते हैं सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बात समझ रहे हो? अब मोदी जी का इमेज से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये सिर्फ कंपनी लॉ को मेंटेन नहीं करता, इसके अंदर और भी लॉ है जो मेंटेन वो करता है, बट मेन पर्पस यही है कि इंडिया में जो कंपनी चलता है उनको प्रॉपरली मैनेज करें। अच्छा सर, कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करने का क्या जरूरत है? सर जरूरत तो है ना, क्योंकि देश चलता है, देश का जो पहिया है सर, इकोनॉमी का जो पहिया है ना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पहिया मतलब चक्का, ठीक है, या फिर पैर, जो भी समझो आप, मतलब देश का इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है कंपनी। अगर कंपनी है तो देश का फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बेहतर होगा, और इंडिया जैसा देशों के लिए जो डेवलपिंग है, ठीक है, डेवलप अभी हम लोग हैं नहीं सर, मतलब स्पेशली ब्रिटिश जाने के बाद से हम लोगों का हालत थोड़ा सा टाइट हो गया ना, क्योंकि अभी वो इंडिया नहीं है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, गोल्डन बर्ड्स नहीं है अभी ये, अभी ये कुछ और ही है, ठीक है, लेकिन बन रहा है सर, समय लगेगा। लेकिन इस समय लगेगा का मतलब ये है कि सर इसमें इसलिए समय देना है क्योंकि कंपनी डेवलप करना है, बिजनेस डेवलप करना है और उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। एक बात तो मैंने कहा ही नहीं सर, सर करप्शन को बंद करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो सबसे बड़ा जो चीज होता है वो है करप्शन बंद होता है। ठीक है, मतलब करप्शन इन द सेंस सर जो कुछ भी नियम बहिर्भूत है, नियम बहिर्भूत मतलब नियम के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल बात। और नियम किस लिए बनाया गया है सर? नियम इसलिए बनाया गया है ताकि ऑनेस्टी के साथ बिजनेस को बनाया जाए, है ना, सबको अपना हक का मिले। जैसे शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, सिंपल बात करते हैं, ये भी एक स्पेशल चैप्टर आते हैं ना इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, कोई कोई इंटर में पढ़ता है, कोई कोई फाइनल में पढ़ता है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर बोल के एक चैप्टर आता है। चलो मैं शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन इतना तो आप लोग भी जानते हो सर, इतना तो आप लोग भी जानते हो कि जब कोई बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो तो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो आपका पैसा कंपनी में, ऐसे शेयर मार्केट में पैसा लगा के वो पैसा सेफ है कि डूब जाएगा, या फिर क्या नियम है? मतलब तो बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस का थोड़ी ना पैसा डाल देंगे हम लोग, अगर सरकार पे कोई छाया नहीं रहेगा, मतलब तो समझ रहे हो ना, सरकार का देखभाल नहीं रहेगा, गवर्नेंस नहीं रहेगा, तो वहां थोड़ी ना कोई पैसा लगाएगा। सबसे पहला चीज है ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहने से किसी को भी ना एक इंटरनल सिक्योरिटी महसूस होता है, क्या चलो सेफ है, कम से कम मार्केट अप एंड डाउन के कारण मेरा पैसा बढ़ भी सकता है, डूब भी सकता है, मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकता है, कैपिटल डिप्रिसिएशन भी हो सकता है, बट कम से कम नियम तो सही तरह से पाले, नियम तो प्रॉपरली चले। जैसे कि आपको मैं किस लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लेके आया, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए सर, अभी मैं आपको बुक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, बट बुक में जाने से पहले मैं इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में आया। आप यहाँ पर देख सकते हो सर, कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप लॉ को पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट का किताब भी पढ़ लो वो भी काफी है, और या फिर जो भी मैं बीच बीच में नोट देता रहूंगा उसको पढ़ लो वो भी काफी है। तो यहाँ पर आप कंपनीज एक्ट देख सकते हो, मतलब कंपनीज एक्ट को कौन मेंटेन करने वाला है सर? सर कंपनीज एक्ट को मेंटेन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिर्फ कंपनीज एक्ट को मेंटेन करता है? अरे नहीं, LLP एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, कंपटीशन एक्ट है, पार्टनरशिप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है, CMA एक्ट है, ये देखो कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स, सोसाइटी रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, कंपनीज डोनेशन ऑफ नेशनल फंड एक्ट, सर सारा एक्ट थोड़ी ना जानना है सर। इसमें से देखो CACS CMA एक्ट तो आप लोगों का इंस्टीट्यूट का नाम, और इंस्टीट्यूट को क्यों बनाया गया, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सभी को अपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहिए सर। CA वाले को CA के जैसा, जो लोग CA CMA दोनों कर रहे हैं उनको तो दोनों जानना है, जो लोग CA CS कर रहे हैं उनको भी जानना है। तो सिंपल बात है, इसका भी एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि हमारे देश में कंपनीज बिजनेस डेवलप हो जाए, तभी CA का जरूरत है, तभी CMA का जरूरत है, तभी CS का जरूरत है। सर जानते हैं सर ये सभी चीजें जानते हैं, आप क्यों समय नष्ट कर रहे हो? सॉरी सर, समय नष्ट करने के लिए सॉरी, बट सर क्या है ना, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन लेवल में बता देना चाहिए सर, क्योंकि बाद में इतना मौका नहीं मिलता,
बाद में मुझे और इतना मौका नहीं मिलता कि मैं आपको ये सब अलग अलग जगह में जाके आपको बताऊं। तो कंपनी एक्ट के अंदर आप देख सकते हो सर, इससे पहले ये 2013 एक्ट तो सर हम लोग जब स्टूडेंट थे उस टाइम पे आया, ठीक है, मतलब जस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे पढ़ाई उस टाइम पे ये सब कंपनीज एक्ट 2013 आया। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो क्या 1956 और 2013 एक्ट में कुछ अंतर है सर? सर लॉ का जो जरूरत है वो वही है, मतलब जो नीड है वो वही है, बट समय का मांग मतलब समय का मांग इन द सेंस 1956 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे कंट्री का बिजनेस और आज के डेट में कंट्री का बिजनेस काफी सारे चीज कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ पुराना 1956 एक्ट एक्ट पर नहीं हो रहा था, तो इसलिए चेंजेस लाना पड़ा, बिल पास करना पड़ा, एक्ट को अमेंड करना पड़ा। इतना अमेंडमेंट आ गया कि एक्ट का नाम ही चेंज करना पड़ा। मतलब 1956 को अमेंड करते हुए चल रहा था, बट अमेंडमेंट इतना ज्यादा हो गया कि एक्ट का नाम ही बदलने का जरूरत पड़ गया 2013 में। समझ रहे हो ना सर? हाँ, अब अभी क्या समझे सर, अब तो बस कहानी सुन रहे हो। अब चलो समझाने पे फोकस करते हैं। तो मैं डेफिनेशंस वाला चैप्टर में आ जाऊं सर, ठीक है, प्रिलिमिनरी, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी में मैं सारा डेफिनेशंस कवर करने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट आपको डेफिनेशंस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सीए फाउंडेशन को जो बेसिक्स है वो भी काफी सारा कवर करेगा और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे मतलब सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएम इंटर का भी पूरा कवर हो जाता है, ठीक है, मतलब कंपनी लॉ का मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। अच्छा देखो सर क्या क्या है सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशंस, डेफिनेशंस। सर क्या है ये सब, धीरे धीरे बोलो सर। चलो धीरे धीरे बोलते हैं कि क्या है ये सब। अच्छा प्लीज मेरे को इतना बताओ क्या आप लोग को आइडिया लग गया सर कंपनीज एक्ट का, मतलब क्यों क्यों पढ़ना है, क्या करते हैं कंपनीज एक्ट, इतना आइडिया लग गया कि और आइडिया दे या फिर लॉ में फोकस करें? बोलो सर, आइडिया लग गया सबको कि कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ क्यों पढ़े? हाँ आई सर, होप कि समझ में आ गया ना सर, बस यही पूछ रहा था कि कंपनी लॉ क्यों पढ़े इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा था। देखो सर जब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है ना, मैं आपको सब दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली हर चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन कर लो, ठीक है। अब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जब, जैसे ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दिख रहा है। हेलो हाँ सर, देखो सर ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, 2563 पेज का रिपोर्ट है। अब इसके अंदर जाएंगे तो खो जाएंगे अभी, तो मुझे इसके अंदर अभी नहीं जाना है सर। बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये जो कंपनी का रिपोर्ट है, चाहे कोई भी कंपनी उठा लो सर, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, जिसका मर्जी उठा लो, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं ये सब रिपोर्ट किसको पढ़ाता हूँ जानते हो? जो लोग सीए फाइनल लेवल में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम वगैरह, सीएमए में भी, और जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल पढ़ते हैं उनको ये रिपोर्ट पूरा पढ़ाया जाता है। और बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए इसको यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि ये कॉर्पोरेट रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसमें अकाउंट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट रिपोर्ट एज वेल एज लीगल रिपोर्ट का भी जरूरत आपको समझ में आ जाता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं सर, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली कंपनी लॉ को प्रॉपरली फॉलो करने का रिपोर्ट है। समझ में आ रहा है? डोंट वरी, मैं बाद में दिखाऊंगा, मैं बाद में दिखाऊंगा सारा चीज दिखाऊंगा। तो एक कंपनी अपना रिपोर्ट बनाने के टाइम पे उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देते ही है, पीएल, बैलेंस शीट, अकाउंट्स का जो एरिया है सर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो एरिया है वो तो कवर करते ही है, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो तो कवर कर नहीं है, उसको तो देना ही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। बट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, अच्छा हाँ, ये जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है ये भी लॉ के अंदर है, मतलब ये भी कंपनी लॉ है, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एकदम पूरा कंपनी लॉ का प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर बेस करके रिपोर्ट होता है, ठीक है सर। रिपोर्ट कौन पेश करते हैं? कंपनी करता है। इसको कौन कौन साइन करता है रिपोर्ट पे? सर ऑडिटर साइन करते हैं जो बाहर से आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी साइन करते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का लीगल ऑडिट करने आते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा रोल प्ले है सर, बहुत सारे लोगों का रोल प्ले होते हैं, तब जाके एक कंपनी अपना रिपोर्ट मार्केट में
ओपन कर सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तभी ये नियम पढ़ना है आप, ठीक है, तभी ये सब नियम आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। चलो ठीक है, अब मैं रिपोर्ट में खो जाऊंगा तो आप बोलेंगे सर सिलेबस में कब जाएंगे, ठीक है, मुझे रिपोर्ट में नहीं बात करना है, ये अदानी का इमेज देख के आप पैसा पैसा सोच रहे होंगे। छोड़ो सर, मैं आपको डायरेक्टली लेके आ जाता हूँ पॉइंट पे। सर तब से बोल रहे हो पॉइंट पॉइंट, कहाँ आए हो पॉइंट पे? अरे आ रहे सर, कहाँ जा रहे हो सर? देखो अच्छा, मैं थोड़ा पेन ले लूँ, एक सेकेंड। लेकिन बीच बीच में आपको मैं एप्लीकेशन दिखाता रहूंगा, ठीक है, बीच बीच में दिखाता रहूंगा कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ किताबी बात पढ़ के क्या करोगे सर, अगर रियलिटी नहीं समझ में आए? हाँ सब बुकिश रह जाएगा, तो फिर प्रोफेशनल पढ़े होने का क्या जरूरत होगी अगर बुकिश ही हो जाते तो। देखो सर, कंपनीज एक्ट 2013 क्या है सर? एक एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनी के बारे में नियम को बनाते हैं, अमेंड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में जो जरूरी बातें। अब क्या जरूरी हो तो आगे आगे समझ में आ जाएगा, बहुत सारा चीज पढ़ना है इसमें। लेजिस्लेशन वाज नेसेसिटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लेजिस्लेशन माने लॉ, लेजिस्लेशन माने लॉ, ठीक है। लेजिस्लेशन वाज नेसेसिटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। सर मैं शुरू में क्या बोल रहा था, मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, यही तो बोल रहा था, हाँ, कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इकोनॉमी के प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए। सर आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मानो आप लोग शेयर मार्केट के बारे में कोई जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे मुझे पता है आप लोगों में से कोई कोई है जो मेरे पास शेयर मार्केट भी पढ़ता है, ठीक है। सो जो शेयर मार्केट पढ़ता है डेली सुबह सुबह शेयर मार्केट का क्लास करते हैं, दे नो कि शेयर मार्केट। अच्छा जो मेरे पास नहीं पढ़ता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शेयर मार्केट नहीं समझता, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप शेयर मार्केट पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट इफ यू नो दी शेयर मार्केट, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। शेयर मार्केट एक्चुअली क्या है सर? इकोनॉमी का मिरर है। मिरर माने सर जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं ना कि चल क्या रहा है। तो जैसे ये निफ्टी फिफ्टी, मैं शेयर मार्केट नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बात करूँ। देखो सर, आज इंडिया में ये निफ्टी फिफ्टी मैंने उठाया, बट अगर निफ्टी फिफ्टी को मैं भी छोड़ दूँ ना, इंडेक्स वाइज स्टॉक मार्केट में दो इंडेक्स है, ठीक है, एक निफ्टी होते हैं और एक सेंसेक्स होते हैं। सर ऐसा ना लगे कि किसी को कि मैं शेयर मार्केट पढ़ा रहा हूँ, नहीं सर, सुनो बात सुनो, मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो किसी को फील नहीं हो सकता है कि लॉ के जगह शेयर मार्केट बता रहा है। अरे नहीं सर, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, थोड़ा गहराई है, थोड़ा गहराई है, थोड़ा सुनो तो समझ में आएगा कि कैसा गहराई है इसके साथ शेयर मार्केट को लिंक करने का। ऐसे शेयर मार्केट के अलावा मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है ना, शेयर मार्केट थोड़ा कनेक्टेड है इसलिए मैंने शेयर मार्केट दे। जैसे आज इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है जिसमें दो इंडेक्स पॉपुलर है ना, एक है निफ्टी, दूसरा है सेंसेक्स। आप में से बहुत लोग आजकल मेरे से भी ज्यादा जानते हो, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बट अभी जानने ओनली फॉर दी करेंट पर्पस मैं आपको इतना बताता हूँ सर, निफ्टी में 50 कंपनी लिस्टेड है। ऐसे तो शेयर मार्केट में कम से कम दो से तीन, इधर भी मतलब एनएससी में आपका 2000 से 2500 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 5000, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 7 से 8 हजार कंपनी लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और सेंसेक्स में टॉप 30, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनी लिस्टेड है, टाटा बिरला अंबानी, आईटीसी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, बहुत सारे हैं, टीसीएस, इंफोसिस, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये कंपनीज में ये निफ्टी का जो ये करेंट वैल्यू है 17000 18000 के आसपास जो चल रहा है, आप देखना चाहोगे कि आज से मोटा मोटी अगर मैं 15 साल पीछे चला जाऊँ तो निफ्टी कितने में चल रहा था? चलो मैं गूगल फाइनेंस से ही आपको दिखा, कितना चल रहा था सर 1999 में, प्लीज चल।
1999 में निफ्टी कितना चल रहा था? देखो 800, 900, 1000 के आसपास, बट आज निफ्टी कहाँ है? 18,000 के आसपास। सर ये निफ्टी का वैल्यू 800, 900 से 18,000 में कैसे किया? ये अलग चर्चा का विषय है जो मैं शेयर मार्केट में कर, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसका वैल्यू 1000 चल रहा था, उसका वैल्यू 2000%, 3000% कैसे बढ़ गया? सर यही तो है एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। अब आप बोलोगे सर इसके साथ लॉ का क्या कनेक्शन? सर मैं बोला ना थोड़ा गहरा बात है, सुनो। सर इसके साथ लॉ का ये कनेक्शन है, जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, जिस कंट्री का कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ अच्छा रहेगा, ठीक है, देश का लॉ अच्छा है तो बाहर वाले को भी ना भरोसा होता है, बाहर वाले को भरोसा होता है। भरोसा समझते हो कि मेरा पैसा ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, ऐसा कंट्री में जा रहा है कि जिसका लॉ अच्छा है, जिसके लॉ में भरोसा किया जा सकता है, लॉ मेकर पे भी, लॉ का पालन मतलब जो लॉ को बनाते हैं उनकी उन पे भी, जो लॉ को मेंटेन करता है या लॉ को एप्लीकेशन करते हैं लाइक CSE SCM में भी आप भरोसा कर सकते हो, या फिर जो कंपनीज हैं वो भी मेंटेन करता है। तो बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस कंट्री का सही हो, उस कंट्री के प्रति बाहरी कंट्री का पैसा आता है हमारे देश में। आपने शायद सुना होगा, शायद मैं इसलिए शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबको पता ना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आज अगर इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल इकोनॉमी का बात कर रहा हूँ, कि आज हमारे देश में आप लोग CSEM बनने के सपने लेके आ रहे हो। सर क्यों सपना देख रहे हो? हाँ क्यों CSE SCM में बनना है, क्यों NISM करना है, क्यों CFA बनना है, क्यों, क्या कारण है? सर क्योंकि देश में बिजनेस बढ़ रहा है। अच्छा देश में बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देश में बिजनेस, सर बिजनेस करने के लिए आपको भी पता है मुझे भी पता है पैसा चाहिए होता है। सर पैसा भारत के पास ना उतना भी नहीं है, मतलब जितना है ठीक है, बट पॉपुलेशन बहुत हाई है, प्रेशर भी कुछ कम नहीं है, बाहर का पैसा आ रहा है। सर इसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हमारे देश के बिजनेस के प्रति उनको बहुत ही दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा जाएगा। कौन किसको लगता है? FII वाले को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमारे देश के बारे में पॉजिटिव आउटलुक ले रहा है। सर आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले उतना नहीं था जितना आज हो रहा है, और जितना समय जा रहा है उतना आउटलुक पॉजिटिव है, जितना समय जा रहा है आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है। अगर किसी को 95 या 2000 के अर्लीस्ट टाइम पे पूछोगे ना, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में दुनिया को उतना कनेक्शन नहीं, उतना भी इच्छा नहीं था, चलो इंडिया चलो ठीक है, बट आज का इंडिया कुछ और है, काफी ग्रोथ है सर, और ग्रोथ के पीछे लॉ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो FII तभी पैसा लगाएगा ना इंडियन मार्केट में जब यहाँ का लॉ सही हो, कॉर्पोरेट लॉ सही हो, ठीक है, और उसका प्रॉपरली मेंटेन हो। इसीलिए इकोनॉमी एक्सपेंशन के बारे में आपको समझना चाहिए। जैसे अगर आपको इकोनॉमी एक्सपेंशन समझ में अगर किसी को नहीं आया, तो आप एक बार कश्मीर को देख लो। हाँ कश्मीर को देख लो, कश्मीर जब से 370 हटा है, ठीक है, ये थोड़ा अलग लॉ है, 370 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 अलग चीज है, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा 370 हटाने के बाद बेसिकली 370 का जो नियम लागू था उसको जिस तरह से नियम को डिसमेंटल किया गया, ठीक है, मोदी जी जिस तरह का लीडरशिप दिखाया, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आज का कश्मीर, ठीक है, आज का कश्मीर पे जो डेवलपमेंट का ग्रोथ है ये जस्ट बिकॉज कि लॉ एंड ऑर्डर सही है। आप सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, जो गया है रिसेंटली शायद फील कर सकता है। मैं तो गया था सर 15 साल 20 साल पहले, 2005-06 में गया था शायद, 15 years back, तब का कश्मीर अब का कश्मीर में बहुत बदल गया है। ऐसे कश्मीर में थोड़ा हमेशा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इतना लॉ एंड ऑर्डर सही है कि अभी दुबई का एक बहुत बड़ा कंपनी यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के ऊपर इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो रहा है और दुनिया देख रहा है सारी चीज। तो ये हो गया लॉ को ठीक चलाने का और लॉ को संभाल के देखने का कारण। अब सेम कॉन्सेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रति भी है, ठीक है, या इंडियन कंपनीज के ऊपर भी है। अगर लॉ सही है तो देश में पैसा आएगा, सिंपल ही बात है सर, लॉ सही है तो देश में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंपनी बनेगा, कंपनी बनेगा तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो यही तो अल्टीमेटली चाहिए, क्वालिटी लाइफ है ना, कुछ दिन की जिंदगी है, जिस जितने दिन की जिंदगी अच्छे से जीना पड़ेगा ना सर, और अच्छा जिंदगी तब हो सकता है जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो
और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पर्टिकुलर लॉ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्टरी बात समझ में आया होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। कंपनीज एक्ट के बारे में जो असेंट, असेंट मतलब प्रेसिडेंट जिसने हाँ कहा बेसिकली, हाँ चलो जो भी लॉ है ठीक है, अपना ओपिनियन साइन कर दिया सर। आपको पता है किसी भी लॉ को पास करना होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है, ठीक है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो या ना भी पढ़े हो तो कम से कम जानते होंगे कि किसी भी लॉ पास करना है मतलब एक्ट पास कराना है तो आपको इंडिया में दोनों हाउस में पास कराना होता है, ठीक है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। दो हाउस माने अपर हाउस लोअर हाउस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, और पार्लियामेंट में इसको पास कराना है, मैक्सिमम फेवर में वोट होना चाहिए दोनों हाउस में और आपका प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके लॉ या एक्ट पास होता है। 29 अगस्त 2013 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये किया। इन द ऑफिशियल गेजेट ऑन 30 अगस्त 2013 इसमें पब्लिश किया गया फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग द डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू नोटिफिकेशंस। साथ में ये भी कहा गया समय के साथ साथ, ध्यान से सुने सर, समय के साथ साथ अलग अलग डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा और उस डेट में अलग अलग प्रोविजंस को भी क्या किया जाएगा, लाया जाएगा सामने, बिकॉज समय के साथ साथ चीजें जरूरत बदल सकता है, ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है सर, परिवर्तन संसार का नियम है। ये बात तो शायद आज से 5-10 हज़ार साल पहले कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे थे, ठीक है, कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन के साथ हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। तो देखो लॉ बनाने के टाइम पे, कंपनीज एक्ट को डेवलप करने के टाइम पे भी यही बात का ख्याल रखा गया, ठीक है। सेक्शन वन कंपनीज एक्ट का 2013 एक्ट का जो सेक्शन वन है वो आया 30 अगस्त 2013 को, जिसमें 98 सेक्शंस, उसके बाद 98 सेक्शंस केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013 को, 143 सेक्शंस वर इनफोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 को, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता गया। कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, ये एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, मतलब बेसिकली नियम है, नियम ऐसे घर में माँ बाबा का नियम होते हैं, है ना, हर घर का अपना अपना नियम है, ठीक है। कोई जैसे मेरे घर में बचपन में नियम था, जब मैं क्लास 12 तक तो नियम था कि पापा, जैसे मैंने अगर शाम को 7 बजे के बाद मैं घर के बाहर रहता था ना, शाम को 7 बजे के बाद हमारे घर का लड़का लड़की कोई भी बाहर नहीं रह सकता है, एक्सेप्ट ट्यूशंस वगैरह जा सकता है लेकिन बाहर घूम नहीं सकता, ये हमारे घर का नियम था। अब तो मेरा क्लास 12 तक, इवन कॉलेज में भी सेम नियम लागू होता था, बट फिर भी कभी कभी छूट मिल जाता था। तो वैसा ही सर यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि नियम है, बेसिकली रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, देश का कंपनी को चलाने का रूल। इसमें 470 सेक्शंस है, ठीक है, ओवरऑल 470 सेक्शंस है, एंड 7 शेड्यूल के अंदर इसको दिया गया है। 7 शेड्यूल, शेड्यूल माने क्या बोले सर, तालिका, लिस्ट, ओके, इसको लॉ में शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, लॉ में इसको शेड्यूल बोलते हैं। तो 7 शेड्यूल और 470 सेक्शंस में कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया सर, है ना, बेसिक बातें हैं, आज बेसिक है, पहला बात क्लास चल रहा है सर कंपनीज एक्ट बेसिक्स के ऊपर इस सेशन में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन आ गया। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, तो याद रखे 470 सेक्शन मतलब 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल एंड 29 चैप्टर में डिवाइडेड है। हर चैप्टर में, ईच चैप्टर हैज एट लीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स। द कंपनी एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं स्टार्टिंग से लेके कम से कम 2 मिनट बोल के आप लोगों का आधा घंटा खा लिया होगा, है ना, आप लोगों का माथा आधा घंटा चिबा लिया होगा, सर कहाँ चिबाए सर ऐसे ही मजाक से बोले, लेकिन आप बात को समझे, मैं स्टार्टिंग से लेके पहला आधा घंटा मैं कम से कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ही चिल्लाता गया। ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर स्पेशल सेक्शन आएगा, मैं आपको और भी बताऊंगा। तो 2013 एक्ट का मेन इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करना ही इसका मेन क्राइटेरिया। सिंप्लीफाई रेगुलेशन, नियम को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इतना कॉम्प्लेक्स ना करो ताकि बिजनेस करने में दिक्कत हो जाए। जिस देश में बिजनेस करने में दिक्कत होता होगा ना, उस देश कभी नहीं बढ़ सकता। अगर हर बात में पॉलिटिकल दादागिरी चलेगा या फिर
पॉलिटिकल दादागिरी, मेरा कहने का मतलब है कि हर बात में अगर सरकार का शासन चलेगा तो बंदा सोचेगा क्या, हाँ कि ये नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारे नियम है, काफी फॉर्म भरना पड़ता है, इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो, रेड टैप बोल सकते हो आप इसको, दिस इज कॉल्ड रेड टैप। रेड टैप माने, रेड टैप माने मतलब हर चीज में एक क्या बोलूं सर, मतलब हर चीज में एक समय लगेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट बना था उसके बाद पहला 30-40 साल भारत में कोई भी चीज, इवन अप टू 2000 तक आप समझ सकते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया धीरे धीरे 91 के बाद से, जिसको शायद आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, है ना, लिबरलाइजेशन LPG के नाम पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले इंडियन बिजनेस सिचुएशंस या कंपनी सिचुएशंस इतना बदतर था, इतना खराब था, चाहे रीजन कुछ भी हो, ठीक है मैं ज्यादा उस फैक्ट में बात नहीं करूंगा, बट प्रॉब्लम इतना था कि इंडिया में बिजनेस करना, बड़ा इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री, हर चीज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, बड़ा में तो ज्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन ये सब प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना और बड़ा काम हो गया सर 2013 एक्ट, एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। देखो सर हर चीज में एक ही फोकस है, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? जो पैसा लगाता है। इन्वेस्टर कौन? जो पैसा लगाता है। तभी तो मैं आपको FII के बारे में बोल रहा था कि बाहर का लोगों का पैसा, सर अंदर का लोगों का भी पैसा होता है DII, और हम लोग जैसे लोग भी पैसा लगाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सर? रिटेल इन्वेस्टर। बेसिकली ये मैं स्टॉक मार्केट एंगल से बोला, FII, DII, DII माने इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब DII में आते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है अभी, मैं बोलते बोलते बहुत सारा पॉइंट कवर करता हूँ और वेरियस मैटर में आप लोगों को कनेक्ट करवाता हूँ। सो अभी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, अगर कुछ लिखने का जरूरत होगा तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप उसको नोट डाउन करें। फिलहाल जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ उस नोट को अगर आपके पास है तो आप वहां से कवर कर सकते हो, अगर नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसको बाद में रिवाइज कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनीज एक्ट का मेन पर्पस यही है। लॉ पढ़ लिए, मैं आपको बोलता हूँ 99% नहीं बोलना चाहिए, 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे लॉ पढ़ लिया है, सब आता है, पर यही नहीं पता कि कंपनीज एक्ट को बनाने के पीछे का कारण क्या है। मैं देखा ऐसा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो क्यों कंपनी लॉ पढ़े, इसी का रीजन नहीं पता, लेकिन पढ़ रहे हैं, सेक्शन याद है सर, सारा चीज याद है, फिर भी कारण नहीं पता कि किस लिए पढ़े। तो क्या पढ़ना है सर? हाँ, इसमें मुझे एक चीज याद आ गया, सारा चीज याद है पर कारण नहीं पता क्यों पढ़ना है, इससे एक चीज याद आ रहा है सर, ये सब प्रॉब्लम कब करता है ना, इंटरव्यू लेवल में, क्योंकि कंपनी आपसे सेक्शन तो पूछेगा बट उसका एप्लीकेशन पूछेगा। याद कितना है वो जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि याद को एप्लीकेशन में कैसे डाले। बचपन में मोस्ट प्रोबेबली रविन्द्रनाथ टैगोर का या फिर जगदीश चंद्र बोस, है ना, किसी का एक का एक कोई मतलब एक प्रोज पढ़े थे, मतलब एक क्या बोलते हैं बंगाली में हम लोग उसको बोंदो बोलते हैं, मतलब एक कहानी था। तो कहानी का समरी कुछ ऐसा था कि बंगाली में पढ़े थे, बोलते हैं कि बोलसीते शुद्ध जल ही घोरलाम कि तुझे जलटा दाने योग्य हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, मतलब एक पानी का घड़ा है, घड़ा में पानी भरा गया है बट वो पानी किसी को पिलाने लायक नहीं था। एडुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिकली यही कहना चाहूँ, एडुकेशन ऐसा होना चाहिए जो पानी भरा भी जाए और उसको दूसरे को पिला के उसका प्यास भी बुझा जाए, मतलब बेसिकली जिसका यूटिलिटी हो, ठीक है, तब जाके। जैसे लॉ क्यों बनाया गया? सिर्फ नियम मेंटेन करने के लिए या देश का बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए? नियम मेंटेन करके क्या करेंगे? सिर्फ नियम मेंटेन करके नहीं, नियम है, अरे भाई जिस नियम से किसी का अच्छा नहीं होता है वो नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर कोई नियम से कोई खराबी हो रहा है तो नियम तोड़ो ना, नहीं नियम बोला गया है, अरे भाई क्या बोला गया है, परिवर्तन नियम है संसार का, जरूरत पड़ने से तोड़ो नियम, चेंज करो, दूसरा नियम लाओ जो दूसरे के डेवलपमेंट में काम है, सिंपल बात। छोड़ो सर, नहीं तो आप लोग सोचोगे कोई स्पिरिचुअलिस्टिक बात चल रहा है। अच्छा, दस, दिस एनेक्टमेंट मेक्स अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कॉन्टिन्यूटेड। तो ऐसा एनेक्टमेंट माने भी लॉ, एनेक्टमेंट माने भी लॉ, ठीक है। तो लॉ तेरा कितना नाम है, कभी लेजिस्लेशन बोलते हो, कभी रूल बोलते हो, कभी एनेक्टमेंट बोलते हो, सर वही एक ही चीज का घुमा फिरावा नहीं है, ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ हो गया, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, कम से कम 40 मिनट से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ,
ठीक है, एक एक डेफिनेशन, बहुत जरूरी डेफिनेशन बोलूंगा सर, और हर एक डेफिनेशन का यूज आपको लॉ में देखने को मिलेगा, और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन लिखोगे तब भी जरूरत पड़ेगा, आंसर करोगे तब भी जरूरत पड़ेगी। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अच्छा मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने पूछा ही नहीं, फीडबैक तो थोड़ा दे दो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबाई के बोझे जाते, समझ में आ रहा है सबको? अरे सनो, नील, निकिता, सभी को पूछ रहा हूँ सर, आयन, सामुन्नीता, शालिनी, बात माथा में जा रहा है ना सर? यस सर, यस सर, यस सर। तो सेक्शन वन ऑफ कंपनीज एक्ट सर, देखो पहले सेक्शन वन में बात कर लेते हैं। सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली ये टाइटल, मतलब जैसे हमारा आपका कुछ नाम होता है वो भी एक हमारा टाइटल होता है ना, जैसे हम लोग सरनेम क्या है, एग्जैक्टली वही। तो बेसिकली सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट, ठीक है, और इसी के कारण दिस एक्ट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट, ठीक है। Further section deals with extend to the applicability of the act and it says that the act shall extend to the whole of India. Sir, भारत का नियम है, भारत में लागू होगा, इसमें बोलने की जरूरत क्या है कि extends to the whole of India? मन में सवाल तो आना चाहिए ना, क्वेश्चन तो आना चाहिए कि भारत का नियम है तो भारत, पूरे भारत में लागू होगा, इसमें अलग से whole of India, एक अलग से language use कर देना सर, कारण है, इसलिए कभी कभी लॉ में आपको, मतलब ये क्या कंपनी का टाइटल नहीं सर, टाइटल माने लॉ का नाम क्या पड़ा, कंपनीज एक्ट ना। हाँ सर, तो वही कंपनीज एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है, यही टाइटल है, टाइटल ऑफ द एक्ट, इसीलिए व्हिच दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट बोलती है, कहाँ बोला गया है, सेक्शन वन में बोला गया, ठीक है, समझ में आ रहे? हाँ सर। फर्दर जो सेक्शन है इसमें बोला गया है कि एक्ट कहां तक एक्सटेंड कर सकता है, तो बोला गया है कि इट शैल बी द, इट शैल दैट द एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू सर। ऐसे बोलने के पीछे मेन रीजन ऐसा है कि क्योंकि हमारे देश में कुछ किसी किसी स्टेट्स में ऐसा है सर, जिस स्टेट में ना कुछ चीजें एप्लीकेबल होता नहीं या फिर कभी होता नहीं था, जैसे स्पेशली कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, जो स्टेटस अभी हट गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं हट गया है सर, ठीक है। सिक्किम हमारे देश में बाद में जुड़ा है, गोवा हमारे देश में बाद में जुड़ा है सर, मतलब देश में क्यों जुड़ा कहने का मतलब है सर, ये चीज़ थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, मैं दो मिनट में बता देता हूँ। आज का जो भारत है ना, ये 1947 का भारत का बात कर, लेकिन भारत आज का भारत तो है नहीं, किसी किसी को लगता है जैसे भारत का उम्र 75 साल का, नहीं सर गलत सोच है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि करंट लेवल में जब लॉ में बात करते हैं, तो हमें 1947 के बाद ऊपर ही डिपेंड करके बात करना पड़ता है, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है ब्रिटिश, बट पुराना भारत जो है और भारत का कल्चर जो है सर, उसका अगर आप कल्चर देखो, एकदम अफगानिस्तान से आप ले लो, ठीक है, आप आज का पाकिस्तान, ठीक है, वहां से लेके श्रीलंका को मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको भी लिया जाता है ब्रॉडर एरिया में, ऑलमोस्ट इतना बड़ा है भारत, ठीक है, जिसको अखंड भी कहा जाता है। तो लेकिन ये हाँ, करेंटली जरूरी नहीं है एज पर द लॉ, मैं ये जो भी बात आपसे कर रहा हूँ, ये सभी बात मैं कर रहा हूँ आपसे 47 के बाद, ठीक है। 47 ब्रिटिश जाने के बाद कुछ प्रिंसली स्टेट था, जैसे गोवा में पोर्टुगीज था, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था, और भी जम्मू कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट था जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कुछ बातें वहां, सरदार पटेल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे, शायद आप लोग जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कभी गुजरात जाओगे तो आयरन मैन का बना है, देख के आना, नर्मदा डैम के, नर्मदा रिवर के बगल में, मोस्ट प्रॉब्ली नर्मदा या
नर्मदा या साबरमती कुछ भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, गुजरात में बना है, जो भी हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी कोशिश करके देश को, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को देश के अंदर लिया। कोई कोई स्टेट जैसे कि पहाड़ी स्टेट में सिक्किम, ठीक है, सिक्किम बाद में भारत के साथ इंक्लूड हुआ। गोवा पुर्तुगीज के अंडर में था, वो भी आया 47 के बाद, मोस्ट प्रोबेबली कोई 54-55 में आया है, तो कोई 70 में आया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टार्टिंग में भारत का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, वो दिक्कत भी खत्म किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार पूछा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गया था, अटल जी, ठीक है, अटल जी पाकिस्तान गया था, तो उनको पूछा गया, मतलब पूछा नहीं, उनके सामने नारा लगाया जा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। तब अटल जी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बनेगा भारत, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान भारत ही है, वो तो जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छीन लिया है और अपना देश का नाम दे दिया। तो उनका मानना है कि भाई जब पाकिस्तानी भारत है, तो फिर कश्मीर कहाँ से अलग से पाकिस्तान हो सकता है, और वो कभी भारत पाकिस्तान बोल के कोई देश ही नहीं था, पूरा का पूरा कश्मीर था, और कश्मीर भारत का हिस्सा ऑलवेज था। लेकिन यही प्रॉब्लम है सर, हिस्टोरिकली यही सब कुछ डिस्प्यूट के कारण ब्रिटिश, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीज, ठीक है, कभी गोवान्स, कभी पुर्तुगीज, बेसिकली गोवा में पुर्तुगीज, कभी दानिश कॉलोनी, ठीक है, जैसे दानिश माने डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, पुर्तुगीज, फ्रेंच, पॉन्डिचेरी में फ्रेंच कॉलोनी, ऐसे बहुत सारे जगह में थोड़ा थोड़ा बाद में रूल रेगुलेशन चेंजेस हुआ। तो कभी कभी कोई नियम चालू हुआ है, तो उस नियम को उस पर्टिकुलर एरिया में लागू होने नहीं दिया गया, ठीक है। तो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज क्या, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज के कारण, इसीलिए लॉ में आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि दिस रूल एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर स्टेट, एक्सेप्ट सिक्किम, या फिर कभी ऐसे मिलेगा कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। बट धीरे धीरे ये सब नियम बदल रहा है सर, अभी मैक्सिमम नियम ऐसा है हमारे देश में जो पूरे भारत में लागू, ठीक है। अब इतना ज्यादा डिटेल्स, मतलब दूसरे लॉ में मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा हिस्टोरिकल कारण आपको सुना देता हूँ सर। ओके, ठीक है, चलो। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अकॉर्डिंगली, दिस सेक्शन फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है सर, जहां पर गैजेट को, ठीक है, गैजेट के अंदर रूल्स नियम को बनाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रेफरेंस प्रोविजंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। द सेक्शन फर्दर मोर स्टेट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नाउ वीवीआईपी पॉइंट पे आ रहा है सर, धीरे धीरे गहराई में जा रहे हैं सर। कहता है कंपनीज एक्ट कहाँ तक अप्लाई, किस केस में अप्लाई होता है, मतलब एक्सटेंड का बात हो गया सर, कंट्री के अंदर कौन से स्टेट में लागू होगा बोल दिए, पूरे भारत में लागू है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर, क्या कंपनीज एक्ट हर कंपनी में लागू होगा, या फिर ऐसा कोई कंपनी है जहां पर कंपनीज एक्ट लागू नहीं होता है सर? इस पे थोड़ा समझने वाली बात और थोड़ा सोचने वाली बात, क्या बात है सर, चलो बात बता देते हैं, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट कभी कभी किसी किसी कंपनी के लिए भी लागू नहीं हो सकता सर, ऐसा क्यों सर? वो तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो पहले ही आपको बोल दिया कि कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड माने, इनकॉर्पोरेटेड माने जो कंपनीज एक्ट के तहत बन रहा है उसमें तो लागू होगा ही, है ना। जैसे आज के डेट में अगर इंडिया में किसी को कंपनी बनाना है, चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाओ, चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाओ, चाहे आप ओपीसी बनाओ, ओपीसी माने 1% कंपनी, ठीक, तो चाहे पब्लिक हो जाओ, चाहे प्राइवेट हो जाओ, चाहे ओपीसी हो जाओ, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लागू होगा ही। लेकिन कुछ बात समझने वाले हैं सर, आप ध्यान से समझना। तो अगर आज 2023 में कोई कंपनी बिल्डअप करना चाहता है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा? ना कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन का जरूरत नहीं है, सिंपल बात। लेकिन एबीसी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of January 1972, पहले इनकॉर्पोरेट हो चुका है 1972 में, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नाउ द क्वेश्चन इज दैट
तो क्या एबीसी लिमिटेड जो 1972 कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल इनकॉर्पोरेटेड हो चुका था, क्या वो 2013 एक्ट में एप्लीकेबल होंगे? कितना सिंपल सा बात है. द आंसर इज यस. अगर कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी पहले इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है, उनके ऊपर भी 2013 एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं. इतनी सी बात है इसमें, और क्या समझने वाली बात है. 1972 के तारे टाइम पे 1956 एक्ट हुआ करता था. इनफैक्ट हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे कॉलेज में, सीए में, सीएमए में, ठीक है, तब हम लोग भी सिमिलर तरीके से 1956 को ही पढ़ते थे, क्योंकि तब भी 2013 आया नहीं था. 2013 काफी लेटली आया हमारे एडुकेशन के लिए. सो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि 2013 एक्ट में वो सभी पुराना कंपनीज जो पुराने कंपनीज एक्ट में चल रहा था वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. मतलब 2013 एक्ट का सारा नियम पुराने कंपनीज के ऊपर भी लागू हो जाएगा जो पिछले एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था. बस यही बात कहना चाह रहा है. लेकिन साथ में कुछ और भी बात. इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999. बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949. कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार एंड द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बके जा रहे हो. सर समझा देता हूँ, सुन लो. आप लोगों को भी पता है, थोड़ा मुझे कनेक्ट करवाना है. इंडिया में कुछ बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी बताओगे सर? हेलो, हमारे देश में कुछ बड़े इंश्योरेंस कंपनीज का नाम बताओगे? LIC घर में चलता है, जिंदगी के बाद भी जिंदगी साथ भी. हाँ, और भी नाम, SBI जनरल इंश्योरेंस, हाँ, SBI लाइफ, या फिर जनरल इंश्योरेंस भी थे तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस भी जैसे कि, और भी प्राइवेट कंपनी में आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे हैं ना, भारतीय आपसा क्या नहीं है, बहुत सारा है, ICICI प्रूडेंशियल. अरे नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ, नाम सुने हो. बस वही तो पूछ रहे हैं. क्यों पूछ रहे हैं? जैसे मानो, चलो आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा नाम ले लेता हूँ डायरेक्टली. जैसे SBI लाइफ शेयर प्राइस देख लेते. सर शेयर में क्यों चले जाते? सर ताकि आप लोगों का भी आइडिया हो जाए. देखो, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है. इसका शेयर का दाम चल रहा है 1108. सर ये मत पूछ लेना अभी कि सर इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का क्लास नहीं है. तो फिर मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं देने वाला हूँ, या फिर ऐसा कोई बात होगा भी नहीं. मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है. इसका मतलब कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं ना, तो उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है. आपको पता है, अगर कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो ऑब्वियसली वो कंपनी है, तभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पहला बात. दूसरा, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाती है वो पब्लिक. क्यों? क्योंकि वो कंपनी पब्लिक के पैसे से बिजनेस करते हैं. आज अगर आप SBI लाइफ का शेयर खरीदते हो तो SBI लाइफ में आपका शेयर होल्डिंग हो जाता है. इसका मतलब ये भी होता है कि SBI लाइफ पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करता है. मतलब यही है. तो अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इसका मतलब उस पर कंपनीज एक्ट तो लागू होगा. हेलो, नॉट जस्ट SBI लाइफ, और भी है, जैसे ICICI, HDFC भी है, HDFC लाइफ, इसका भी शेयर है मार्केट में. LIC का भी शेयर है मार्केट में, ठीक है, LIC का भी शेयर है मार्केट में. गूगल मुझे सब दिखा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ. सो पॉइंट इज दैट, पॉइंट क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ. सर मैं कहना ये चाहता हूँ, चाहे HDFC हो, मतलब HDFC लाइफ हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे SBI लाइफ हो, ये सभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, तो इन पे कंपनीज एक्ट तो लागू होता है. लेकिन इसके साथ आपको और एक चीज भी समझना पड़ेगा सर,
ये साथ में इंश्योरेंस कंपनी भी है, और इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते इनके ऊपर IRDA का रूल्स भी लागू होता है। सर व्हाट इज IRDA? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, IRDAI। ओके सर, ये कौन है? सर ये एक एक्ट है, ये एक एक्ट है जिसके तहत पूरा भारत में जितना भी कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट्स में आते हैं उनको IRDA के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी बन ही नहीं सकते। सिंपल मतलब यही है। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया एंड इज टेकन एज रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इनको बनाया गया है 1999 में एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एक्ट को। सर कभी अभी हम लोग ये वाला एक्ट नहीं पढ़ेंगे, बट तो आपको इतना कहना चाह रहा हूँ सर कि आज की डेट में IRDA के अंदर अगर किसी को मतलब जिसको भी इंश्योरेंस बिजनेस में आना है उसका लाइसेंस उनको कहाँ से मिलेगा? IRDA से। तो अब सवाल है तो सर इसके साथ इसका क्या कनेक्शन? वही तो कहना चाहते हैं सर। सर कंपनीज एक्ट कहाँ तक एप्लीकेबल हो सकता है? जो भी कंपनीज इस एक्ट के अंदर आता है उसमें कंपनी एक्ट तो लागू होगा। इसका सिंपल मतलब है कि SBI लाइफ कंपनी है, सिर्फ कंपनी नहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसमें कंपनीज एक्ट तो लागू होगा, 2013 एक्ट लागू होगा। बट जहां पर इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट में झगड़ा हो जाएगा तब किसको फॉलो करें? तब उसका मेन एक्ट को फॉलो करना होगा। इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। मतलब SBI लाइफ का दो दो एक्ट के अंदर समझ आ गया, मतलब दो दो एक्ट के अंदर आ गया। इंश्योरेंस कंपनी होने के नाते इंश्योरेंस एक्ट भी लागू होता है, मतलब IRDA का एक्ट, और कंपनी होने के नाते कंपनीज एक्ट भी लागू होता है। बट जहां पर कभी ऐसा हो जाए कि कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस कंपनीज में इनकंसिस्टेंसी आ जाए तब वो क्या करेगा? सर तब उसको इंश्योरेंस का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो पहले इंश्योरेंस कंपनी है बाद में वो कंपनी। बात समझ में आ गया? हाँ सर। यही सर सिंपल एक सा बात। इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी के रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा कोई एग्जांपल होगा? सर ऐसा एग्जांपल अगर मुझे बाद में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको मैं इतना बताना ओके सर। चाहूंगा ठीक है, बिकॉज ये सब देखो नॉर्मली लॉ को जब बनाया जाता है, लॉ को जब बनाया जाता है तो कंफ्लिक्ट को दूर करने का ही कोशिश किया जाता है। बट फिर भी इतना दूर का चीज प्रेडिक्ट करना लॉ मेकर के लिए भी ना उतना संभव नहीं होता। तो जब कोई केस जाता है कोर्ट में, जब कोई केस जाता है कोर्ट में तब समझ में आता है, तब जज लॉ मेकर्स लॉयर्स सब एक साथ एकजुट हो जाता है, पैनल बैठते हैं, तब उस पर डिस्प्यूट को क्रिएट मतलब देखने का कोशिश किया जाए। मैं आगे आगे केस स्टडीज मिलेगा तो आपको बताऊंगा सर ठीक है, बट इतना फिलहाल आप देख लो कि इनकंसिस्टेंसी आ सकता है तो वो अपना मेन और लॉ को फॉलो करें। ओके सर। बट ठीक है, बट जब तक कंपनीज एक्ट लागू हो सकता है तब तक कंपनीज एक्ट बिल्कुल लागू होगा, भले ही वो इंश्योरेंस कंपनी से क्यों। सिमिलर बात बैंकिंग कंपनीज के लिए भी लागू होता है कि इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, BR एक्ट भी कहा जाता है इसको ठीक है, BR एक्ट 1949, इसके तहत इंडिया का बैंकिंग सिस्टम चलता है। स्टॉक मार्केट में तो क्या बताऊं मैं आपको, एक बैंक निफ्टी आता है सर, इसमें सिर्फ बैंकिंग कंपनीज ही होते हैं, मतलब एक अलग से निफ्टी बनाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज ही होते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर स्टेट बैंक ठीक है, ICICI बैंक ठीक है, HDFC बैंक, जितना भी बड़े बड़े कंपनीज हैं इंडिया में वो तो सारे के सारे बैंक निफ्टी का पार्ट है। उनका वैल्यूएशंस को जोड़ के ही बैंक निफ्टी को डेवलप किया जाता है। समझ में आ रहा है सर? किसके किसके कंट्रीब्यूशंस में बैंक निफ्टी बनता है आप यहाँ पर स्टॉक का नाम भी देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा, HDFC, बंधन, IDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड ठीक है, और भी है ठीक है। फिलहाल आपको आइडिया के लिए काफी था, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना था कि
बैंकिंग के ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट में निफ्टी बन रहा है, इंडेक्स बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये लोग एक तरफ बैंकिंग कंपनी भी हैं और दूसरी तरफ ये लोग बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत भी चलता है। तो जब इनका भी कंक्लूजन आएगा, किसी भी तरह का इनकॉन्सिस्टेंसी होगा, तो इनको बी आर एक्ट के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, ऑब्वियसली करना पड़ता है। बट एक तरफ ये कंपनी भी है तो कंपनीज एक्ट तो लागू होता है, इसलिए बोला एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बी आर एक्ट 1949। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी लागू होता है। सर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई कंपनी, सर इलेक्ट्रिसिटी का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला और एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला, दोनों ही हो सकता है, जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर मुझे अभी जनरेशन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं कभी आपसे शेयर करूंगा, बट सप्लाई करने वाला एक कंपनी का नाम मुझे याद आया, अपने कोलकाता में ही है सर, CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, संजीव गोयनका का कंपनी है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आज अगर CESC इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, ठीक है, तो CESC एक तरफ स्टॉक मार्केट में भी है, कंपनी तो है ही, कंपनीज एक्ट भी लागू होता है, बट एक दूसरी तरफ वो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चलने वाला कंपनी है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई में काम करते हैं। अदानी ट्रांसमिशन का नाम याद आ गया सर, अदानी ट्रांसमिशन ये भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर का BEF यूटिलिटीज बोल रहा है। BEF यूटिलिटीज होगा, सुनो याद नहीं आया, ठीक है, आपको आइडिया लग गया ना, बस मेरा इतना ही, मेरा ऑब्जेक्टिव उतना है, बाकी आप अपना रिसर्च बढ़ाते जाओ, आप अपना रिसर्च बढ़ाते जाओ, मेरा बस आइडिया इतना होता है कि मैं आपको इतना बता दूं कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, आप अपना सोच को बढ़ाओ, इतना मैं जरूर कोशिश करूंगा इन ईच एवरी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो सर ठीक है, अच्छा, या फिर अलग अलग एक्ट तो आ ही सकता है, या फिर सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहार सब्जेक्ट टू सच एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशन और अडॉप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। एक एग्जांपल यहां पर दिया, देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, माने ये कुछ ऐसा कंपनीज हैं जो अलग एक्ट से बनता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI, इसका भी अलग एक्ट होता है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्पेशल नोटिफिकेशंस के तहत एक्ट को बनाते हैं, तो इनके लिए ये भी कंपनी है, ठीक है, ये भी कंपनी की तरह चलता है FCI NHAI, बट साथ में इनको स्पेशल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार एज शैल मीन एक्सक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इज इफ एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज इनकॉन्सिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट टू विच, मतलब जैसे कि बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस टू विच द कंपनी इज रेगुलेटेड देन दैट कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन रेस्पेक्टिव एक्ट टू विच इट इज गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय, वही जो मैं आपको बोला, हो सकता है कि वो कंपनी है बट अगर कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो जिस एक्ट से बिलोंग करता है उसी एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो सर हम लोग ऑलरेडी कुछ बातें कर ली है, टाइटल जो है कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंट कहाँ है होल ऑफ इंडिया, सेक्शन 1 केम इन टू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन कहाँ है कंपनी पे तो लागू होगा ही, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लागू हो सकता है, बैंकिंग कंपनीज पे भी लागू हो सकता है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी के भी लागू हो सकता है, कंपनी रेगुलेटेड बाई स्पेशल एक्ट जैसे कि NHAI, फूड कॉर्पोरेशन एंटिटीज एज नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई एंटिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई इस पे कंपनीज एक्ट लागू होगा तो लागू होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी को नोटिफाई करते हैं, एंटिटी माने कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो होगा, ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि हाँ सर कंपनीज एक्ट का पावर कहां तक फैल सकता है। चलो आ गए डेफिनेशन पे, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज अ डेफिनेशन सेक्शन, अब हम लोग सेक्शन 1 से आ गए सर, सेक्शन 2 पे आ गए, सेक्शन 1 बेसिकली टाइटल एक्सटेंशन ये सब पे बात करता है, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन पे बात करता है कि कंपनीज एक्ट को जानने के लिए
आपको डिफरेंट डेफिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, डिफरेंट डेफिनेशन का सामना करना पड़ सकता है. इट प्रोवाइड्स वेरियस, अच्छा डेफिनेशन का दूसरा एक और भी नाम हो सकता है टर्मिनोलॉजी. क्या बोलते हैं सर? टर्मिनोलॉजी. ठीक है, मतलब अलग अलग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज जो यूज करते हैं इस कंपनीज एक्ट. तो अगर आपको डेफिनेशन का अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तो आप किसी भी लॉ को कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के टाइम पे आपको मतलब समझ में आ जाएगा. ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा. अब अगर कोई बोलेगा कि सर हमें मतलब नहीं चाहिए, हम तो याद कर लेंगे, तो थ्री इडियट्स में बोला था ना सर, कौन रे थ्री इडियट्स देखा आप लोगों ने, रणछोड़ दास चांचड़ और कौन था जो जो बोलता था कि हम तो याद कर लेंगे, चतुर रामलिंगम. याद आ गया जब चतुर. ठीक है, तो चतुर ने क्या बोला, मतलब नहीं चाहिए हम याद कर लेंगे. चलो छोड़ो सर. ओके, तो डेफिनेशन सेक्शंस और क्लॉजेस आर नोन एज इंटरनल एड्स. जैसे कि डेफिनेशनल सेक्शंस के अंदर आपको क्लॉज मिलेगा जिसको इंटरनल एड्स ऑफ टू कंस्ट्रक्शन एंड कैन बी इमेंस हेल्प इन इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग इनएक्टमेंट ऑफ एनी ऑफ दी एनी ऑफ इट्स पार्ट्स. माने क्या होता है सर, लॉ को समझने के लिए आप देखेंगे आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन देखने को मिलेगा, फिर क्लॉज देखने को मिलेगा, फिर क्लॉज के अंदर सब क्लॉज देखने को मिलेगा. सर ये और कुछ नहीं है, ये बस लॉ को एक कंस्ट्रक्शन करने का एक तरीका है. मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा ना मैं आपको बताऊँगा. और एक स्पेशल चैप्टर टीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को एक चीज़ पढ़ाया जाता है सर, क्लॉजेस. ठीक है, क्लॉज मतलब ये अदर लॉ का पार्ट है, कंपनीज लॉ का पार्ट नहीं सर. डिफरेंट क्लॉजेस एक्ट बोल के एक एक्ट पढ़ाया जाता है सर. ठीक है, क्लॉजेस एक्ट, तो उसमें मैं बताऊँगा आपको. ठीक है, कि कैसे लॉ को पढ़ना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे लॉ को पढ़ना चाहिए. तो उसमें ना लॉ को कैसे पढ़ना है, लॉ को कैसे बोला गया है, ये सीए एग्जीक्यूटिव वाले पढ़ते हैं, सीए इंटरमीडिएट में भी है, सीएमए वाले फाइनल में. ठीक है सर. ठीक है, चलो क्या होगा, पता माथा खराब हो जाएगा आप लोग. छोड़ो, अच्छा देखो माथा खराब जितना है भी जरूरी उतना. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 95 ऑफ सेक्शन 2, देखो जैसे बोला क्लॉज आ गया, मतलब सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 95 में बोला है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दोज एक्ट्स. माने क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है कंपनीज एक्ट कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 95 ऑफ सेक्शन 2 words and expression used and not defined in this act, matlab there are certain words, certain expression jisko shayad company law mein define nahi kiya gaya, but kahan define kiya gaya hai, SEBI act mein define kiya gaya. Sir SEBI act kaun padhta hai sir? CA mein tino padhta hai. CS wale isko intermediate level mein hi padh lete hain, matlab CS executive level mein hi padh lete hain, aur CA and CMA students isko final level mein padhte hain. SEBI act, depositories act, dono. Fir jo log executive CS mein hai उनको एग्जीक्यूटिव लेवल में ही तीनों एक्ट, मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर सेबी एक्ट या फिर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, तीनों पढ़ने का मौका मिलता है. ठीक है, मतलब कहना ये चाहते हैं कि कंपनीज लॉ में ऐसा कई सारा लॉ डेफिनेशंस वगैरह को यूज किया गया है, वर्ड्स एक्सप्रेशन को यूज किया गया है जो कि सेबी एक्ट से या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से या डिपॉजिटरीज एक्ट से लिया गया है. ठीक है, व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन द एनएक्टमेंट it is that meaning the along with such must be given to while interpreting a section of the act unless there is anything repugnant to the context. matlab agar kisi cheez ko kisi cheez pe bola gaya hai to usko usi field ke liye bola gaya. main aapko aage ek ek karke batata hu. chalo, section 2 states that in this act unless the context otherwise requires. aise kafi sare definitions hai sir, kitna definitions ka line hai sir? mota moti aapko yahan par main aapko line dikhata hu. up to कंपनीज लॉ को अगर अच्छे से समझना है तो कम से कम 90 से 95 डेफिनेशंस वहीं पर आपको मिलेगा सर. 93 डेफिनेशंस को क्या रटेंगे? अरे नारे बाबा ना, रटना नहीं है. मजा का बात यह है कि जैसे जैसे आप अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ोगे ना कंपनीज लॉ में, हर चैप्टर में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस का
इस्तेमाल ऐसे ही देखने को मिलेगा, बट करेंटली डेफिनेशन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डिफरेंट पॉइंट पे डेफिनेशंस और डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपको ग्रिप आ जाए ना, तो आपको बहुत हेल्प होगा। रटना नहीं है, समझना है और समझ के याद, याद हो जाए तो अच्छा है। तो सर चलो, जैसे पहले एक डेफिनेशन दिया है मैं यहाँ पर, अच्छा डेफिनेशंस को 1 2 3 करके देने के पीछे बस इनका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसमें आगे पीछे कुछ भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी पढ़ा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर एक प्रॉस्पेक्टस के बारे में बोला है, इसका नाम है एवरेज प्रॉस्पेक्टस। इसका मतलब बोला है कि एवरेज प्रॉस्पेक्टस मीन्स ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सेबी माने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। अब आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना पड़ेगा मुझे, देखो सर क्या बताएं और क्या नहीं। एक चैप्टर ऐसे आएगा आप लोगों में पढ़ाऊंगा, इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोल के, तब आपको प्रॉस्पेक्टस के ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करूंगा सर। चैप्टर का नाम ही होगा प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, लेकिन अभी मैं प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में बात नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन लेवल में बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ इंट्रोडक्शन लेवल में ही थोड़ा बने रहिए। तो ये प्रॉस्पेक्टस क्या है आपके मन में चल सकता है कि व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, है ना, एवरेज प्रॉस्पेक्टस तो बाद में समझ में आ जाएगा, बट पहले प्रॉस्पेक्टस क्या है ये तो समझना पड़ेगा। जैसे एक देखता हूँ सर, मुझे प्रॉस्पेक्टस मिलता है, यस मुझे एक मिला है सर, यही स्टॉक मार्केट क्लास में बोलता रहता हूँ तो यूज करता हूँ, लॉ में भी काफी यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रॉस्पेक्टस का नाम दिया है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हो उनको शायद पता होगा कि आईपीओ आता है कंपनी, क्या आता है सर, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, ऐसे ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है। एवरेज प्रॉस्पेक्टस का भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे आगे, ठीक है, अभी मेरे पास शायद एवरेज प्रॉस्पेक्टस का कोई नहीं है, शायद नहीं है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे अगर आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसको DRHP भी बोलते हैं, ये भी डेफिनेशन के अंदर है, सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत बना है, किसके तहत बना है, सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर कौन बनाया, सर पेटीएम ने बनाया, पेटीएम का शेयर जब मार्केट में लिस्टेड हो रहा था तो उनको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ा, और जो प्रॉस्पेक्टस उस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा रेज करने के लिए इशू किया, उसे DRHP के थ्रू से उसको करना पड़ा, और वो रूल सेक्शन 32 के तहत है। बट यहाँ पर और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि पेटीएम इस प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के टाइम पे जो रूल फॉलो किया, कंपनीज एक्ट तो है पर साथ में सेबी का रूल भी फॉलो करना पड़ा, क्योंकि कंपनी जो कुछ भी करता है एज पर सेबी करता है, स्टॉक मार्केट में जो भी आते हैं एज पर सेबी होता है, तो यहाँ पर सेबी का रूल भी फॉलो होगा, कंपनी का रूल भी फॉलो होगा, समझ में आ रहा है सर, सेबी का रूल भी फॉलो होगा, कंपनी का रूल भी फॉलो होगा, डिटेल चर्चा करेंगे सर जब प्रॉस्पेक्टस चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल मैं स्किप करता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैं डिटेल्स चैप्टर में नहीं आया, मैं तो बस आपको प्रॉस्पेक्टस का यूज दिखा रहा हूँ। ऐसा ही एवरेज प्रॉस्पेक्टस भी होते हैं, जहां पर आपको मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ ए प्रॉस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, ठीक है, जो सेबी स्पेसिफाई करता है वो वहां पर डिफाइन किया जाता है। जैसे सेबी कहाँ है, अगर आप सेबी के साइट में जाते हो, मतलब सेबी के पोर्टल में जाते हो, सेबी पोर्टल में जाके अगर आप फाइलिंग्स में जाओगे, फाइलिंग्स में जाके पब्लिक इशू देख रहे हैं सर, पब्लिक इशू में थोड़ा सा साइड में आओ, देखो आपको दिखेगा, हेलो बोलो सर, कोई क्वेश्चन है क्या, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जो यस किसी का क्वेश्चन आ रहा है, फाइलिंग्स में जाके पब्लिक इशू में जाके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी, ये देखो सर रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद ROC, माने जब भी किसी को कंपनीज को मार्केट में आना होता है तो उसे फाइल करना पड़ता है। जैसे देखो ये सब कंपनीज ऑलरेडी अपना प्रॉस्पेक्टस फाइल कर चुका है, जैसे एवलन टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल सर्फेस लिमिटेड, उदय शिवशंकर इंफ्रा लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइज जनवरी 20 में आया था, रिसेंटली मार्च 29 में अवेलन है,
ठीक है, तो ये सब कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपना डिटेल्स जो कुछ भी करता है उसमें कंपनीज का तो फॉलो होता ही है, साथ में सेबी का रूल भी फॉलो करना पड़ता है ना, साथ में सेबी का रूल भी फॉलो करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर कहना चाहा कि आपको ऐसा वेराइटीज मिलेगा, जैसे एवरेज प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग द सेलिंग फीचर्स ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस जो स्पेसिफाई करता है सेबी और सेबी के रेगुलेशंस के तहत होता है। बाकी प्रॉस्पेक्टस, एवरेज प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, मैं ये सब के बारे में आपको प्रॉस्पेक्टस चैप्टर में डिटेल्स में बोलूँ, ठीक है। अभी तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, आपको थोड़ा आइडिया। जैसे आपको यहाँ पर डेफिनेशन चल रहा है सर, इसलिए मैं डेफिनेशन टाइप में बात करूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है ना, आप लोग शायद ये चीज बचपन से पढ़ते हो, क्लास 11 में ही शायद सुने होंगे आप लोगों ने, हाँ जब आप लोग 11 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब भी शायद आपने सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग के अकाउंटिंग अकाउंट्स की किताब के स्टार्टिंग पार्ट भी रहता है। अब देखो कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या है, कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या कहता है, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लासेस ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन 133। सेक्शन 133 ऑफ दिस एक्ट, आगे आऊंगा सर, देयर इज अ चैप्टर कंपनीज एक्ट में, एक चैप्टर है मैंने रिसेंटली कवर किया, जिन लोगों का सामने एग्जाम है वो लोग अभी अभी किया है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बोल रही सी ए इंटर सी एस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एज वेल एज सी एम इंटर स्टूडेंट्स भी पढ़ा है इसको, जिनका सामने एग्जाम उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले इसको कवर अप किया है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, तो वहां पर भी इसके बारे में बोला है कंपनीज के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करता है, बट रिकमेंड कौन करता है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं सीए इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो हमारा सीए इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और सीए इंस्टीट्यूट कौन है, जिनको अंडर सेक्शन 3 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर काम करता है, मतलब सेक्शन 3 जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत ये रिकमेंड करते हैं, इन कंसल्टेशन विद and after examination of recommendation made by the NFRA, sir ये कौन है, sir ये एक authority recently develop किया गया जो CA के ऊपर रखा गया, जिनको CA institute के भी ऊपर रखा गया है, National Financial Reporting Authority NFRA, इनको basically auditor को देखने के लिए रखा गया, CA को देखने के लिए रखा गया, इनका team छोटा है but powerful लोगों से भरा है, NFRA के ऊपर चर्चा आगे करूँगा सर जब मैं आपको accounts of companies करवाऊंगा, तब मैं आपको NFRA के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूंगा, बस फिलहाल इतना समझ के चलो कि सीए को देखभाल करने के लिए, ऑडिटर को देखभाल करने के लिए NFRA का डेवलपमेंट हुआ, ये टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, नॉर्मली ये लोग इनके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, बट ये पावरफुल है, इनके पावर सीए के ऊपर भी रखा गया है, इतना समझो आप, इसीलिए आप देखो ना यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि सीए इंस्टीट्यूट जो रिकमेंड करेगा वो तो किसके कहने पर करेगा, NFRA के कहने करेगा, डायरेक्टली NFRA नहीं पहुंच सकते सर, काफी पावर बनने के बाद ही आप NFRA में जा सकते हो, और वो भी बहुत ही आगे बताऊंगा सर, अभी NFRA में ज्यादा नहीं बता। तो सेक्शन 133 रूल विद रीड विद रूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल 2014, उसके अंदर बोला है द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी डीम्ड टू बी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंटिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 133। मतलब अगर कोई पुराना रूल्स है उसको भी एप्लीकेबल कर लेंगे, डीम्ड फिट मान लेंगे, ठीक है, टिल द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जब तक NFRA नहीं आया था अंडर सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, NFRA आने से पहले 135 के जगह 132 चलता था, वहां पर स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाता था, और फिर उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रिकमेंडेशंस पे चलता था, और उसके लिए एक कमिटी था नेशनल एडवाइजरी कमिटी, जो कमेटी सी इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशन को अप्रूवल देता था और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रेस्क्राइब करता था, बट सर ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो है ये हटा गया सर, अब इसको बहुत ज़्यादा पावर देके NFRA डेवलप किया गया,
ये पुराना नियम है, तो उस टाइम का भी अगर कोई नियम है उसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फॉलो किया जाता है। फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 133 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब दैट द कंपनीज रूल 2006 एंड द कंपनीज रूल 2015 में भी फॉलो, जिसमें रिसेंटली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी डेवलप किया गया है, इंड एएस के नाम से जाना जाता है। आप लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैम के पास डिटेल्स में अकाउंट्स क्लास में इंड एएस अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैम आप लोगों को डिटेल्स में मैथमेटिकली अकाउंटिंगली अकाउंटिंग वे में सिखाएंगे। जो लोग मैम के पास अकाउंट्स करते थे प्लीज सर, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कहा गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएफआरए को रिकमेंड कब अपॉइंट कब किया, 1 अक्टूबर 2018, जो रिसेंटली हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3-4 साल 5 साल हुआ है। ठीक है, ओके सर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ के अंदर किस तरह से आपको जानना है मैंने आपको बताया। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर पढ़ा बेसिकली। सर सर और भी चीजें हैं, डेफिनेशन में बहुत चीजें हैं, ऑल्टर क्या है, ऑल्टरेशन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल मैंने बेसिकली यहाँ पर जो लॉ है उसको आर्टिकल का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। सर ये क्या है, सर आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आगे आगे, एमओए एंड एओए। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर, मतलब कंपनी बनने के पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एमओए है। और एओए क्या है सर, जिसको बारे में आर्टिकल बोला जा रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली ये रूल बुक है, मतलब कंपनीज के अंदर जो रेगुलर चेंजेस वगैरह होता है वो आर्टिकल में बनाया जाता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड हैज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ ये चेंज भी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रोज रोज चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन सर मैं अभी आपको थोड़ी ना डिटेल्स में समझा रहा हूँ। हाँ, एमओए एओए के ऊपर पूरा स्पेशल क्लास लिया जाता है सर, आगे आएगा मैं बताऊंगा ये बेसिकली। ये सब चर्चा मैं कहाँ करूंगा सर, नेक्स्ट क्लास में देख सकते हो आप। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड इनकॉर्पोरेशंस ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ये फाउंडेशंस वाले भी सिमिलर चीजें पढ़ते हैं इसमें। आपको ये देखो सर, एमओए सेक्शन 4, एओए सेक्शन 5, उसमें मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा कि एमओए एओए क्या है और उसके रिलेटेड पॉइंट्स। लेकिन फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन वाइज दिखा रहा हूँ कि आर्टिकल मीन्स क्या है, applied in pursuance of the any previous company law and applied in pursuance of this. तो ऐसा अजब अलग अलग और भी आपको definitions देखने को मिलेगा। associate company में आता हूँ सर, सभी चीजों में बात करूंगा। auditing standards क्या है, associations का associate company क्या होता है। ठीक है, सवाल मन में चलता है, authorized capital क्या है, nominal capital क्या है, board of director क्या है, वो board क्या होता है, body corporate क्या है, corporations क्या है, book and paper क्या है, कंपनीज एक्ट में बुक पेपर बहुत सुनने को मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, ब्रांच ऑफिस क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, चार्ज का क्या मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कौन होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होते हैं, कंपनी में सीईओ कौन होता है, सीएफओ कौन होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी किसको कहा जाता है, कंट्रोल किसे कहा जाता है, डिबेंचर का क्या मतलब होता है, डायरेक्टर कौन होता है सर, इतना सारा चीजें, डिविडेंड क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या ईसॉप किसे कहा जाता है, एक्सपर्ट किस उनका मतलब क्या है, एक्सपर्ट कौन होते हैं, सब बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस बीच बीच में थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। एक्सपर्ट का मतलब इंजीनियर, एक्सपर्ट का मतलब वैल्यूअर, एक्सपर्ट का मतलब वैल्यूअर माने कैसे वैल्यूअर बनते हैं बताता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट अकाउंटेंट एंड एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू इश्यू सर्टिफिकेट इन पर्सन्स ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इंजीनियर तो समझ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समझ गए, कंपनी सेक्रेटरी भी समझ गए, कॉस्ट अकाउंटेंट भी समझ गए, वैल्यूअर समझ गए क्या, हेलो आप लोगों को पता है वैल्यूअर कौन होते हैं, एनी आइडिया, फिर इसका भी एक पढ़ाई होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, जैसे लोग सीए का पढ़ाई के बहुत वैल्यूएबल मानते हैं ना, वैसे ही एक्चुअरीज का पढ़ाई को भी बहुत वैल्यूएशन दिया जाता है। इनका ज्यादातर जॉब इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं।
ये भी सरकारी पढ़ाई है सर, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअरीज बन के आप वैल्यूअर बन सकते हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस का वैल्यूएशन कैसे होता है, गाड़ी ने एक्सीडेंट कर देगा तो कैसे वैल्यूएशन होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट का क्या वैल्यूएशन करें, बिल्डिंग का चल जाने का क्या वैल्यूएशन करें, तो मजाक नहीं है। किसी का हेल्थ का क्या वैल्यूएशन करें, कौन से डिजीज का क्या वैल्यूएशन करें, अलग अलग होता है ना, ठीक है। एक्चुअल स्टडीज इसका भी अलग अलग एग्जाम होता है, पेपर होता है, ये सब देखिए आप वैल्यूअर बन सकते। समझ में आ रहा है सर? छोड़ो सर, जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया आपको। जैसे लोग सी एस सी एस सी एम ए के बारे में सुनते हैं वैसे एक्चुअरीज भी है, और एक्चुअरीज पढ़ने का एक छोटा सा चीज जरूरी होता है, दैट इज मैथ्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जिनको मैथ्स में डर लगता है या मैथ्स जिसका वीक है उनको एक्चुअरीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ अगर वीकनेस को कोई कवर अप कर ले नो इशू, वीक वैल्यूएशन आज के डेट में एक्चुअरीज कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, पहले सी एस सी एम ए कुछ तो बन जाओ सर, फिर कर देना, कोई वो एज नहीं है सर, आराम से कर सकते हो। अच्छा एक्सपर्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट, पी एल, कैश फ्लो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है, दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा। मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा बताने के लिए थोड़ा सोचा, हाँ मुझे मिला सर। जैसे आप लोग काफी बार सुनते हो ये कंपनीज के केस में, जब भी आप अकाउंट्स करते हो, कंपनी अकाउंट्स करते हो, तो आपको शायद बार बार सुनाई देता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है ना, सुनते हो कि नहीं सुनते, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल है ना, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, क्या है ये सब है ना। इसके एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर आपको डेफिनेशंस भी देता हूँ और एक एग्जांपल भी, कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, अच्छा लगेगा सुनने में। काफी देर से लॉ लॉ चल रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल आइडिया लग जाए। जैसे 86 पॉइंट में सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में तो कहता है कि मीन सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके मैं सारा डेफिनेशंस बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, कुछ आप घर पे पढ़ो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बताऊंगा सारा पॉइंट। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स मतलब किसी को ऐसा ना लगे सर 86 में आ गए इसलिए बोल रहे, ठीक है सर 86 में आ गए तो 1 में भी चला जाऊंगा, 10 में भी आ जाऊंगा, 12 में भी आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी का शेयर जितना मेंबर सब्सक्राइब किया है वही कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल होता है, ठीक है। इसके बारे में कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2021 में इसके बारे में एक अमेंडमेंट भी नहीं, ये नहीं, ये दूसरा किसी पॉइंट, ठीक है छोड़ो ये नहीं। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड माने आरओसी। सर आरओसी कौन होते हैं सर, कंपनीज के बारे में क्या बोलूँ आपको, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब क्या ना रजिस्टर सामने आ गए तो मेरा मन कह रहा है कि बोल दिया जाए। जैसे जब भी किसी कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है ना तो आरओसी में रजिस्टर होते हैं, और आरओसी में रजिस्टर कहाँ कैसे होता है सर, ये देखो एमसीए सर्विस में जाके आप आरओसी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आरओसी फाइलिंग आप अगर यहाँ पर जाके करोगे ना, आरओसी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ अभी, बाकी आगे आगे सब प्रैक्टिकली भी सीखोगे, किताब भी पढ़ोगे, आरओसी रजिस्ट्रेशन, देख रहे सर ये देखो मेरे को कहाँ लेके आ गया, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में, ठीक है। तो कंपनीज को भी आरओसी में रजिस्टर करना पड़ता है, आगे दिखाऊंगा सर। तो एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, कितना बोला सर, कितना ऑथराइज कैपिटल दिया है, 2-4 सर 2 करोड़, जहाँ पर एक एक शेयर का दाम बोला है 10 टका। सर ये 10 टका क्या है सर, फेस वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को पता है जब भी आप बचपन में कंपनी अकाउंट्स करते थे तो फेस वैल्यू 10 ही माना जाता था। अच्छा जरूरी है क्या फेस वैल्यू 10 ही होगा सर, रियलिटी में आपको देखोगे कि फेस वैल्यू 1 भी होता है, फेस वैल्यू 5 भी होता है, फेस वैल्यू 2 भी होता है। ओके सर 100
सर नॉर्मली शेयर का फेस वैल्यू 100 नहीं दिखता है, डिवेंचर वगैरह का, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा 10 हो, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी एक मिनिमम वैल्यू तो मानना चाहिए नॉमिनल। तो शेयर का नॉमिनल वैल्यू दिया है 10 टन, फेस वैल्यू 2 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, ईच शेयर इज ₹10। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाई द कंपनी टू बाई शेयर्स, ठीक, जैसे सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं आपको कुछ देर पहले पेटीएम का दिखा रहा था ना, ये भी ऐसा ही अपना शेयर वगैरह लेके आया था मार्केट में और बता रहा था कि भाई मैं इतना शेयर लेके आ रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो लो। बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों का पैसा डूबा भी है। ये देखो सर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थोड़ा सा एक टका करके शेयर का दाम है, 197 कम्युनिकेशंस एग्रीगेटिंग अप टू 166,000 मिलियन कॉम्प्राइजिंग अ फ्रेश इशू ऑफ 83,000 मिलियन। बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग था इसका, मतलब मार्केट से रेज किया। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कंपनी 2 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल, 10% शेयर का दाम, एडवर्टाइजमेंट ला रहे हैं मेड बाई द कंपनी टू बाई शेयर्स इन द कंपनी, मतलब पब्लिक को बोल रहे हैं कि कंपनी का शेयर खरीदो। एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर रुपीज कितना, 10 लाख, 10 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिला है, बट कंपनी एक्चुअली इशूड 7 लाख शेयर्स, पर कंपनी हैज कॉल्ड फॉर 8 परचेज, समझे ना। ऑल द कॉल्स हैव बीन मेड इन फुल एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर्स हु स्टिल ओ देयर 6,000 शेयर इन टोटल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको ऑथराइज कैपिटल का मतलब समझ में आ जाएगा, आपको सब्सक्राइब कैपिटल भी समझ में आ जाएगा, इशूड भी समझ में आ जाएगा, कॉल्ड अप भी समझ में आ जाएगा, पेड अप भी समझ में आ जाएगा। सर ऐसा क्या है इस एग्जाम्पल में, बढ़िया एग्जाम्पल है, सुनो तो सही। सर ऑथराइज कैपिटल का सिंपल मतलब होता है, अगर आप मुझे सिंपल पूछोगे सर ऑथराइज कैपिटल क्या है, तो जितना कंपनी मार्केट से रेज कर रहा है अपने मेंबर से, वही उसको ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, मतलब जितने का कंपनी के पास राइट है उठाने का। अगर मानो कि आप 5 करोड़ पैसा आपका बिजनेस करने के लिए जरूरी है और 5 करोड़ का वैल्यूएशन आपने बना लिया अपने बिजनेस का, तो जितना बिजनेस का वैल्यूएशन होगा उतना अथॉरिटी नॉर्मली दिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल जितना आपने मार्केट से आपका जितना आपका शेयर है, ठीक है, ये देखो ऑथराइज कैपिटल 2 करोड़, तो 2 करोड़ हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, मतलब अथॉरिटी है इतना मार्केट से रिस्क के साथ। सब्सक्राइब कितना हुआ सर, सर सब्सक्राइब हुआ 10 लाख करके, 10% करके, 10 लाख शेयर 10% करके, ये सब आप लोग कंपनी अकाउंट्स में भी करते हो, बट यहाँ पर मैं लॉ के लैंग्वेज में थोड़ा बता रहा हूँ। तो कितना हो गया सब्सक्राइब 1 करोड़, इशूड कैपिटल कितना हो गया 7 लाख का आपका इशू हुआ है। क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी एक्चुअली इशूड 7 लाख शेयर्स, पर कंपनी हैज कॉल्ड फॉर 8 पर शेयर, 7 लाख इशू किया है 10% करके, कितना होता है 7 करोड़, है ना, सॉरी 70 लाख। तो ऑथराइज था 2 करोड़ का, सब्सक्राइब हुआ 1 करोड़ का, इशू कंपनी ने किया 70 लाख था, उसमें से कॉल्ड अप हुआ है, देखो पर कंपनी हैज कॉल्ड फॉर 8 पर शेयर, मतलब 10% में से कंपनी ने अभी सिर्फ 8% बुलाया है, अभी भी 2% बाकी रखा, ठीक है, तो 7 लाख करके 8%, तो 56 लाख कंपनी को मिला है कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कितना हुआ, कुछ शेयर होल्डर ने अपना कुछ पैसा बाकी रख दिया। ऑल द कॉल्स हैव बीन मेड इन फुल, लेकिन 3 शेयर होल्डर्स टू स्टिल ओ फॉर देयर 6,000 शेयर इन टोटल, तो 6,000 शेयर्स 3 शेयर होल्डर का मिला के टोटल 6,000 शेयर्स का 8% करके मार्केट में कॉल्ड अप होना बाकी रहेगा। तो 6,000 करके 8% करके 48,000 नहीं मिला, तो कॉल्ड अप 56,000 में से अगर 48,000 चला जाता है, तो पेड अप कितना हुआ 56 से बाकी अमाउंट माइनस करो तो आपको पेड अप मिल जाएगा। किसी को इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, नो सर, सबको समझ में आया सर? ऑथराइज, सब्सक्राइब, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, बोलो। यस सर, समझ में आया ना सर? बहुत जरूरी होता है, इवन कंपनी अकाउंट्स के टाइम पे भी जरूरी होता है, जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तब भी जरूरी है, ये तब भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है, अगर डेफिनेशन वाइज भी पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं, है ना, लोग डेफिनेशन क्लास में है अभी, मैंने एग्जाम्पल एक करवा दिया कि थोड़ा मोनोटोनस चल रहा था ना काफी देर से, ऐसा ना चले कि सर क्या लॉ 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 सो गए,
लॉ पढ़ते पढ़ते सो गए। अरे क्या सो गए सर, इसीलिए थोड़ा मैं बताऊं सर। और भी चीजें हैं ना? हाँ सर बहुत चीजें हैं बताना है। जैसे कई बार सवाल करते हैं सर, स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती सर। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्मॉल केस बोल के एक होता है सर, वो साइड में रखा हूँ। यहाँ लॉ वाइज स्मॉल कंपनी का क्या मतलब है सुनो, स्मॉल कंपनी पब्लिक नहीं हो सकता तो माने स्मॉल कंपनी प्राइवेट होता है। यस प्राइवेट होता है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच, अब पेड अप मत पूछ लेना सर, पेड अप क्या है अभी समझाया, अभी समझाया पेड अप, जितना कॉल हुआ था उसमें से जितना मिला है कंपनी को। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। अगर से गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल प्रेस्क्रिप्शन दिया है कि कम से कम 50 लाख होना चाहिए, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। सर कहाँ 50 लाख, कहाँ 10 करोड़। सर ये गवर्नमेंट अपने पास रखा पेड ऑफ शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, सबसे ज्यादा अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ठीक है, एंड साथ में ये भी कहता है टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का टर्नओवर एज पर पीएल, कंपनी का टर्नओवर एज पर पीएल, पीएल माने तो जानते हो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप 22-23 का हिसाब लगा रहे हो तो 21-22 का जो प्रीवियस ईयर है आपका, ओके तो 22-23 का इमीडिएट प्रीसीडिंग क्या है 21-22। अगर आप 23-24 में हिसाब लगा रहे हो तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्या है 22-23, 22-23। तो टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर पीएल ऑफ द अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो भी हो गवर्नमेंट की तरफ से नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता प्रिस्क्राइब अमाउंट। ठीक है, पर नॉर्मल रूल कहता है, नॉर्मल रूल कहता है 2 करोड़ के अंदर टर्नओवर होना चाहिए तभी हम उसे स्मॉल कंपनी कहेंगे। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए बोलो, पचास लाख पेड अप कैपिटल 50 लाख के अंदर प्रेस्क्राइब करके मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और टर्नओवर कंपनी का, कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है, विद इन 2 करोड़ होना चाहिए। हाँ प्रेस्क्राइब करके 2 करोड़ 100 करोड़ तक प्रेस्क्राइब करके एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो भी मैक्सिमम 100, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं अगर प्रेस्क्राइब किया जाए तो। ठीक है, रूल बना के रखा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 बात समझना जरूरी है, एक होल्डिंग कंपनी तो मैंने बताया नहीं और सब्सिडियरी कंपनी भी मैंने बताया। सर मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ, सिंपल सिंप्लीफाई करता हूँ सर, डोंट टेक इट एज अ स्लैंग। हाँ मैं इसको स्लैंग नहीं बोलता, हमारे देशी भाषा में कई बार बोलते हैं ना बाप, हाँ सर मतलब बाबा को, बाबा माने फादर। ठीक है, फादर को कई बार बोलते हैं बाप, कोई कोई इसको थोड़ा स्लैंग में लेते हैं, बट आपको मैं विनती करता हूँ सर डोंट टेक इट एज अ स्लैंग। तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी का मतलब है बाप कंपनी और सब्सिडियरी का मतलब होता है बेटा कंपनी। लेकिन बाप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सिडियरी का 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग होना चाहिए। अगर बाप कंपनी का बेटा कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो हम उसे उसका बाप कंपनी बोलेंगे, और जिसके ऊपर शेयर होल्डिंग है उसको क्या बोलेंगे सर, बेटा कंपनी। बेटा माने सब्सिडियरी, बाप माने होल्डिंग। अरे बाप बेटा का रिलेशन समझ में आ गया?
हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। जैसे मेरे दिमाग में एक एग्जांपल चल रहा है बिग बास्केट का, शॉपिंग ऐप में नहीं जानना, बिग बास्केट सर। इसमें आपको पता है इसमें किसका शेयर होल्डिंग है बिग बास्केट में? बिग बास्केट बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, इसका हरी मेनन इसका सीईओ है, विपुल पारेख इसका सीएफओ है। 8.5 हज़ार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब तो स्मॉल कंपनी तो ये है नहीं सर। नेट इनकम अभी थोड़ा लॉस में जा रहा है, ठीक है। अरे छोड़ो सर, उसमें बात नहीं करते, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा था, दैट इज टाटा। टाटा इस कंपनी का शेयर होल्डर है टाटा। यस मिल गया मुझे, टाटा ग्रुप बीकेएम दी ओनर ऑफ बिग बास्केट इन मई 2021। टाटा डिजिटल सब्सिडियरी ने, टाटा का भी एक सब्सिडियरी है टाटा डिजिटल, उसने बिग बास्केट पे 64% शेयर होल्ड लिया, इसको मेजोरिटी स्टेक बोला गया। इसका मतलब ये है कि 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग टाटा का है, इसीलिए आप देखेंगे कि बिग बास्केट में लिखा रहता है, बिग बास्केट का जब भी कोई रास्ते में चलता है ना, उसमें लिखा रहता है टाटा एंटरप्राइज, दिख रहा है? हेलो क्यों ऐसा लिखा? अगर मेजोरिटी स्टेक ना होता तो ऐसा कभी नहीं लिख पाता। माने टाटा बिग बास्केट को होल्ड करना, तो बिग बास्केट क्या बन गया सर? टाटा का सब्सिडियरी। लेकिन टाटा का भी सब्सिडियरी नहीं सर, टाटा का एक सब्सिडियरी है जो मेन टाटा ग्रुप है उसका एक सब्सिडियरी है, जिसका नाम है टाटा डिजिटल। समझ में आया सर? टाटा ग्रुप इसका पेरेंट है, लेकिन टाटा ग्रुप के अंदर एक कंपनी है टाटा डिजिटल बोल के, टाटा डिजिटल का बिग बास्केट पे शेयर होल्डिंग है, तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के अंदर ही चला गया। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बाकी पॉइंट में नहीं पहुंच पाऊंगा। ध्यान से सुनना, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी होना जरूरी क्यों है यहाँ पर? प्रोवाइडिंग दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडियरी, मतलब अगर कोई बड़ा कंपनी किसी छोटा कंपनी को होल्ड कर रहा है, तो छोटा कंपनी भले ही स्मॉल ही क्यों ना हो, और उसे हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। समझ में आया सर? एग्जाम्पल देता हूँ अभी, रुको। इसलिए यहाँ पर बोला प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है, तो सेक्शन 8 को कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको स्पेशल एक्ट के तहत चला जाता है वो भी नहीं होता है इसके। कुछ अमेंडमेंट आया था सर, एज पर द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। मतलब ये सब क्या चल रहा है सर? सेक्शन है क्लॉज 85 में, आपको बता रहा हूँ, क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी के बारे में बोला है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 में बोला है, सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लॉज 85, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़ एंड रुपीज 20 करोड़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये रूल को बाद में लाया गया है, क्या कहता है? कैपिटल इक्वल्स टू 2 करोड़, टर्नओवर इक्वल्स टू 20 करोड़, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, एच लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, ओके। एच लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट। सर मैंने अभी अभी आपको टाटा और बिग बास्केट का एग्जाम्पल सुनवाया है ना, अभी अभी आपके कान में टाटा बिग बास्केट गया, वैसा ही एक एग्जाम्पल। ध्यान से सुनो, एच लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। एस प्राइवेट लिमिटेड its turnover was to extent of 1.50 crore. Profit and loss account for the year ending 31st March 2019 of Ace Private Limited, its turnover was to the extent of 1.50 crore and paid up share capital was 40 lakhs. Since Ace Private Limited, as per the turnover and paid up share capital norms, qualify for the status of a small company. It wants to be categorized as small company. बट कहता है एस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज द सब्सिडियरी ऑफ अनदर एच लिमिटेड।
स्मॉल कंपनी अपने आप में स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, एस प्राइवेट लिमिटेड अपने आप में स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दैट इज 1.50 करोड़ का टर्नओवर, जहां पर मेरा टर्नओवर का लिमिट 20 करोड़ के अंदर है, कैपिटल का लिमिट है 2 करोड़ का, जहां पर ये 40 लाख कर रहा है, ओके। लेकिन ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता बिकॉज वो किसी और का होल्डिंग है, कि कोई किसी और का सब्सिडियरी है। एस प्राइवेट लिमिटेड cannot be categorized as a small company because it is the subsidiary of another company, that is Ace Limited. Provision to section 2, subsection 85 के तहत। इसीलिए small company के अंदर क्यों holding और subsidiary को count नहीं किया जाता, शायद आपको समझ में आ गया। हेलो सब, अरे समझ में आया कि क्यों S को और H को हम लोग small company category के अंदर नहीं रख पाए। तब जब भी holding subsidiary concept आ जाता है ना, स्मॉल कंपनी का हिसाब किताब नहीं लगता, समझ में आया सर? प्लीज टेल मी। अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताएंगे। आया सर। आ गया ना, किसी को नहीं आया तो जरूर बोलूंगा। ओके, ऐसा ही पढ़ना है सर, इसी तरह से एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे। और ये सब डेफिनेशन सेक्शन वाइज है, ये सब सिर्फ कोई नंबरिंग नहीं है, ये सब जैसे कि 84, 85, ये सब क्या है, सब सेक्शन 2 के अंदर चल रहा है। सेक्शन 2 डेफिनेशन का एरिया है, इसके अंदर अलग अलग क्लॉज दिया है, सब क्लॉज, कभी क्लॉज 84, कभी क्लॉज 85, कभी क्लॉज 86, मैं ये सब करके आपको अभी कुछ पॉइंट पढ़ा। जैसे सब्सिडियरी कंपनी क्या है, क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में बोला है, व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी in relation to any other company, that is to say the holding company. कोई ऐसे ही सब्सिडियरी नहीं बोला जा सकता, किसी के रिलेशन पे कहा जा सकता। मतलब क्या मैं किसी और का सब्सिडियरी हूँ तो मेरा कोई होल्डिंग जरूर होगा, मतलब अगर मैं बेटा हूँ तो मेरा बाप तो जरूर होगा। बात को समझे, डोंट टेक इट एज स्लैंग। अगर मैं बच्चा हूँ तो मेरा बाप तो होगा, ठीक है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। क्या डायलॉग है सर, अमिताभ बच्चन का बड़ा फेमस डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर लोग मुझे अहिंसा कहते हैं, समझ रहे सर? ऐसे ही कुछ डायलॉग है ना। अरे मैं मूवी वाला नहीं हूँ सर, इतना अच्छा डायलॉग बाजी मेरे से नहीं लगता है, पर मैं थोड़ा आपको बताया। तो मैं सब्सिडियरी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे सब्सिडियरी लगते हैं क्योंकि तुम मेरे कौन हो? अरे बोलो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे सब्सिडियरी लगते हैं पर तुम मेरे कौन लगते हो? कुछ तो कहो। होल्डिंग सर, होल्डिंग है ना। एक सब्सिडियरी बोल रहा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे सब्सिडियरी लगते हैं, ठीक है, रिश्ते में तो हम सब्सिडियरी लगते हैं पर तुम मेरे कौन हो? होल्डिंग मीन्स अ कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक बात है सर, अगर कोई किसी का होल्डिंग है और कोई उसके अंडर में सब्सिडियरी है, ठीक है, तो क्या होता है कि होल्डिंग सब्सिडियरी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने, मतलब कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा इसका कंट्रोलिंग आ जाता है होल्डिंग के ऊपर। जैसे टाटा ने अगर बिग बास्केट को होल्डिंग किया है तो बिग बास्केट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टाटा का कंट्रोलिंग आ जाएगा, तभी टाटा उसका होल्डिंग लेंगे। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन वन हाफ बने 50% से ज्यादा, मोर देन वन हाफ बने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आ जाता है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब एक सब्सिडियरी का लेयर्स होता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा ही बताना चाहिए, ठीक है। ये सब डिस्कशंस और भी आगे करेंगे, बेसिकली सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी के बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 87 ये डेफिनेशन देता, ठीक है। इसमें और भी देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल, जो मैंने अभी अभी कंट्रोल बोला, ऑफ सब क्लॉज 1-2 फॉर अनदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी
The composition of company's board of directors shall be deemed to be the control of the another company if that other company pay by exercise of some power exercised by its discretion of can appoint or remove all the majority of the directors. तो डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा पावर भी आ जाता है इसी क्लॉज में बोला गया। The expression company includes any body corporate। और ये जो कंपनी कंपनी चल चिल्ला रहे हैं, कंपनी का क्या मतलब होता है? बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट होने का क्या पावर होता है? बॉडी कॉर्पोरेट जो बन जाते हैं वो लीगल पर्सन बन जाते हैं एक तरह से, ठीक है, लीगल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों में आगे आगे बताता हूँ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। लेयर मैंने लेयर माने होल्डिंग कंपनी के अंडर में और भी सब्सिडियरीज और सब्सिडियरीज का लाइन लगेंगे, तभी उसको लेयर्स बोलते हैं। लेयर्स इन रिलेशन टू होल्डिंग माने होल्डिंग के अंदर और भी बहुत सारे सब्सिडियरीज, जैसे टाटा के अंदर में आपको बहुत देखने, इसके अंदर एक नोटिफिकेशन आया था 27 दिसंबर 2013 को, मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ठीक है, द क्लोज कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होने से वो होल्डिंग सब्सिडियरी होगा ऐसा जरूरी नहीं, होल्डिंग सब्सिडियरी का जो रूल है उसको फॉलो करने से होल्डिंग सब्सिडियरी होगा, ठीक है। तो बेसिकली वन हाफ और बाकी जो मैंने कैरेक्टर आपको फिड्यूशियरी मैंने बेसिकली क्लोज रिलेशंस को फिड्यूशियरी, ठीक है सर। तो ऐसा बहुत सारे और भी हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 88 क्लॉज 88 सेक्शन 2 क्लॉज 88 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर मीन सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसीडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम फॉर इट। सर बात को ध्यान से सुनो, स्वेट, स्वेट का मतलब क्या है? पसीना। हाँ, स्वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? बांग्लादेशी बोले, बांग्ला में हम लोग क्या बोलते हैं? घाम, घाम है ना, घाम मैंने सर कंपनी में पसीना बहा रहे हो कौन? एम्प्लॉय होने के नाते एक कंपनी बनता है एम्प्लॉय के कारण, एक कंपनी बनता है डायरेक्टर के कारण। तो डायरेक्टर अपना मेहनत दे रहा है पसीना बहा रहा है, एम्प्लॉय अपना मेहनत दे रहा है पसीना बहा रहा है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है कि कंपनी के लिए मेहनत करने के कारण कंपनी आपको डिस्काउंट में कुछ देते हैं जो कैश नहीं देता सर, ठीक है, कैश नहीं देता, शेयर्स देता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के शेयर्स गिफ्ट में मतलब कम दाम में देते हैं, कम दाम में शेयर दे देते हैं, इसे स्वेट इक्विटी शेयर्स। डिटेल्स में इसके ऊपर अकाउंट्स करोगे, इसके ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है, कंपनी अकाउंट्स में मैम करवाएंगे आप। सच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसीडरेशन other than cash for providing their know-how, क्या दे रहा है director अपना knowledge दे रहा है और making available rights in the nature or intellectual property, मतलब दिमाग का जो intellectual क्या होता है दिमाग, एक chartered accountant का क्या है intellectuality और value addition, जो भी वो company के value addition कर रहा है, जो भी वो दे रहा है बदले में company उसको क्या दे रहा है? Sweat equity shares, company के shares market में जिस दाम पर बिकता है उसको कम दाम में वो company उसको issue कर, अगर share का दाम market में 1000 में बिक रहा है तो स्वेट इक्विटी शायद 980 में दे देगा, 950 में दे देगा, ऐसा होगा। सर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, देयर इज और एक कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये हमें मिलेगा आपको क्लास 37 में, देख रहे हैं सर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसको ईसॉप कहते हैं, ईसॉप means the option given to the director or officer of employees of a company of its holding company or subsidiary company or companies if any which gives such director or officer or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. So, thoda alag hai concept but almost kind of same. Employee stock options pe predetermined rate mein फ्यूचर डेट में आप कंपनी का शेयर बाय कर सकते, कौन? एम्प्लॉय। वो क्या था? स्वेट इक्विटी, वो भी एम्प्लॉय और डायरेक्टर के लिए होता है, ये भी एम्प्लॉय के लिए होता है, डायरेक्टर के लिए भी होता है। मींस द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स और ऑफिसर ऑफ और एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, मतलब कंपनी का होल्डिंग कोई है, ठीक है,
सब्सिडरी कोई है, कंपनी का कोई होल्डिंग सब्सिडरी है, इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉइज क्या बेनिफिट दे रहा है, द बेनिफिट ऑफ राइट टू परचेस, परचेस करने का राइट देता है, और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर परचेस करने का राइट मिलता है, अभी नहीं 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 अभी नहीं, फ्यूचर रिलेटेड भविष्य, लेकिन दाम आज ही तय हो जाए, हो सकता है कंपनी का शेयर का दाम फ्यूचर में बढ़ेगा, फ्यूचर में मानो 2000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है, आज चल रहा है मानो 1000, तो मे बी आप आज के काउंट के हिसाब से फ्यूचर में जब कंपनी का शेयर 1500 चल रहा है आप 1000 में ले सकते हो उसको, प्री डिटरमाइंड प्राइस, इसको बोलते हैं ESOP, ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी का शेयर बेच के बाद में आपको ओपन मार्केट से पैसा मिल जाए, जिसका दाम महंगा चल रहा है उसको सस्ता में मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है सर, अगर महंगा नहीं हुआ तो सर तब कुछ काम नहीं करेगा, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखोगे मैम के पास, अकाउंट्स, ये सब चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैम के पास अकाउंट्स क्लास में सीखोगे, अब तो लॉ पढ़ रहे हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं रैंडमली कुछ पॉइंट आज पिक किया, आपको कुछ पॉइंट में बात किया, जितना बोलो कम पड़ जाए सर, जितना बोलो कम पड़ जाए, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ ए कंपनी, डिविडेंड कौन है, डिविडेंड कौन नहीं, डिविडेंड क्या है, इंक्लूड देनी इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड दो तरह का होता है, फाइनल और इंटरिम, कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट, इसके भी बहुत डिटेल चर्चा है लॉ में, डिविडेंड के ऊपर सिर्फ चैप्टर है एक अलग से, आई विल डिस्कस इट, डॉक्यूमेंट क्या है, समन्स नोटिस रिक्विजिशंस ऑर्डर डिक्लेरेशंस, मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँ सर, आपको एक आइडिया लग गया, ठीक है, क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, आप लोग अगर आपके पास किताब है नोट्स हैं आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को बाकी पॉइंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ, नेक्स्ट दिन तो इंट्रोडक्शन कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे सिर्फ डिस्कशंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ये कब होगा सर, नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, समझ में आया सर, आज का क्लास समझ में आया, माथा में गया सर कंपनी लॉ और डेफिनेशंस, यस सर, बहुत ही जरूरी डिस्कशंस है, आप लोग इसको घर पे गो थ्रू करें, ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको रिवाइज करते रहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा में रखो, ठीक है, यस सर, ओके सर, चलो गुड नाइट फिर, बाय, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर.